हमें स्क्रैप करना चाहिए। ओह मजा आ रहा है। हाँ इतना काफी है, चलो शुरू करें। ऐसे करने का एक ही तरीका है। हाँ मैं जीत गई, मैं जानती हूँ तुम क्या करने वाले हो। ओह मुझे गुस्सा आ रहा है, चलो ये जल्दी निपटाए। कमाल है, मैं इसमें माहिर हूँ। ये कैसा मजाक है। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है अब तुम्हारी बारी, गुड लक। हाँ जरूरत भी है, चलो। जितना दिखता है उससे बहुत मुश्किल है। ये कैसे हुआ। बुरा हुआ पर मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। रुक जाओ, बहुत खराब है। ओह एक बनाना, यम्मी। मैं मदद करता हूँ, मैंने हाल ही में अपने बाल धोए थे। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। करते रहो, मजा आ गया, देखने में बढ़िया है ना। अब मैं अच्छी बनकर नहीं रहूंगी, मैं उसे नहीं जीतने दे सकती। तुम ये डिजर्व करते हो। जी हाँ, मैं अपनी मॉम को शुक्रिया कहना चाहूँगा। हे, बस करो। ऐसा क्यों हुआ, बहुत बुरा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये जीतना ही होगा। हे, यहाँ ध्यान दो, ये रहा चैलेंज। मैं नहीं कर सकता, तुम्हें करना होगा। अब मैं अपना कमाल दिखाती हूँ। मैंने ये क्या, जरा मुझे देखो। पर कैसे, मुझे लगा था ये चैलेंज है, ये कैसा रहेगा। ये बोरिंग है, तुम कुछ नहीं कर रहे, मैं इसका मुकाबला कैसे करूं? हाँ समझ गया, शो टाइम। बस एक मिनट रुको, ये क्या कर रहा है। गुड लक, ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें वो पसंद आया। क्या बकवास है, जरा रुको, मैं कुछ सोच रही हूँ। अगर मैं जानती हूँ क्या करना है, जरा ये देखो। अब ये लो, जल्दी करना होगा। मैंने कर दिखाया। वाओ शानदार। हाँ हाँ काफी बढ़िया था। ओह हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चलो ये और बढ़िया करें, तुम्हें ये देखना होगा, गोल गोल घुमाएंगे। ओह वाओ क्या शो है, कमाल कर दिया। सच में अब मेरी बारी, ये कैसा रहेगा। बढ़िया लगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मान लो। वो ठीक कह रहा है, मेरा काम हो गया, बधाई हो, ये तो एक टैलेंट है। ओह चुप हो जाओ, जलो मत, देखकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया शुक्रिया। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। तुम देख रही हो ना। क्या, ओह वाओ वो ये क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता, चो चो चो। हो सोचो तुमने कुछ नहीं देखा, अब डांस चैलेंज का वक्त है, अब हंस कर दिखाओ। हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई भी डांस कर सकता है। स्ट्रीट स्टाइल पॉप एंड लॉक, ये मजेदार है। ओह ये वाओ बहुत बुरा है। येलो, ये कुछ दिलचस्प है। क्या, ऐसे तुम्हें डांस नहीं करता। मैं ये कैसे करूँगी। ओह बिल्कुल। हे बात सुनो, क्या सच में समझे। मैं ट्राई करता हूँ, आराम से। अरे कोई बात नहीं, चलो पेस करें। मेरे बुक हो गया, ये थोड़ा मुश्किल तो है। और चलो भी, इसे संभालो जस्टिन, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, ये फनी था। तुमने देखा, ओह बहुत जोर से लगी होगी। अगला ये है, पर हम तो दो ही हैं। मैं समझी नहीं, बात तो सही है। ओह मैं अभी आता हूँ। वो कहाँ जा रहा है, क्या जस्टिन मुझे छोड़ दो। ये आपके लिए। आओ तुमने पहले क्यों नहीं कहा, डील पक्की हुई। तो चलो प्लान सुनो। फिर हम ये क्या कह रहे हैं, मुझे भी सुनना है। तो चलो साक्षात करना। अरे चिंता मत करो, मजा आ रहा है। वाओ क्या परफॉर्मेंस थी, शानदार। अब ये ट्राई करो। लगता है कुछ बिगड़ेगा, पर करना तो होगा ही। ओह मैं अच्छी लग रही हूँ, बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत। क्या ये जरूरी है, किसी ने कुछ नहीं कहा,
ये बात इस कमरे के बाहर ना जाए। चलो डांस करें। 1 2 3 हे तुम अच्छा कर रही हो, तुमने पहले भी किया हुआ है। तुम बहुत अच्छे डांस पार्टनर हो, हमें ये दोबारा करना चाहिए, हम ये दोबारा जरूर करेंगे। मैं संभालती हूँ। वाओ कमाल है, तुम बहुत भारी हो। तुम्हारा वजन कितना है? मैं ये नहीं बताती। चलो इसे खत्म करते हैं। मुझे चलना होगा। शुक्र है ये खत्म हुआ, तुमने मुझे हिला डाला, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, मैं जानता था। बस अब मैं घर जा रही हूँ, अभी तो शुरुआत है। ओ, मैं भी क्या मजाक कर रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एक झटकी लेने दो। ज्यादा हो गया क्या? ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। सनी ये देखो। वाह तुम कितनी टैलेंटेड हो। ओ, बहुत जोर से लगा। रुको, मेरा हेयर क्लास, तुमने तोड़ दिया, ये मेरा फेवरेट था। मुझे माफ कर दो। अब तुम क्या कर रहे हो? इसे बेहतर बना रहा हूँ, मुझे बस एक नैनो टेप चाहिए। बीच में एक सिरिंज रखेंगे, इस पर टेप लपेट देंगे, इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, ये सील हो जानी चाहिए। अब इसे हीट देंगे, ये मजेदार है। इसमें रेजिन डालेंगे, मुझे एक बबल बनाना है। बढ़िया लग रहा है, पर अभी और भी काम बाकी है। मैं इसमें फ्लावर पेटल्स डालूंगा, इस पूरे पर डालेंगे, ये बस आखिरी है। लो एक सुंदर सा हेयर बैंड तैयार है, ये तुम्हारे लिए सनी। हाँ ये क्या है? वाह विश्वास नहीं हो रहा, ये खूबसूरत है। तुम कितने अच्छे हो एलेक्स। ये तो मेरा फर्स्ट था। स्कूल में भूख लग जाती है, मुझे टेस्टी सा स्नैक चाहिए। ये क्या, आइसक्रीम? तुम्हें रोज पता है ना। ओह मुझे लगा ये मजाक में लिखा है। ये मत करो सनी, मेरे पास कोई चारा नहीं है, वो साइन देखो। मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे बस नैनो टेप चाहिए, इसे फोल्ड करेंगे। अब मुझे ब्लू रेजिन चाहिए, बस ध्यान रहे सील हो जाए, ये ठीक लग रहा है। अब इसे थोड़ी हीट देंगे, ये बस तैयार है। अब रेजिन डालेंगे, टेप को फुला लेंगे। वो कमाल है, मैंने कार्ड से वॉफल कोन बना लिया, ये आइसक्रीम जैसा लग रहा है। इसमें फ्लेवर डालते हैं। कितना स्क्विशी है। वो अरे वाह, क्या ये मेरे लिए है? कमाल है, मैं इसे स्क्वीज करूं? मजा आ रहा है, मुझे यही तो चाहिए। शुक्रिया एलेक्स। स्वाद अच्छा है, पर बहुत हुआ, इसे कचरे में फेंक देते हैं। मैं जा रहा हूँ। चलो क्लास में चलते हैं, मैं लेट नहीं होना चाहती। वो मैं गई, मैं तो गई। ओह नहीं, मेरी कीचेन। नहीं क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? शायद ये अभी भी ठीक हो, मैं कर सकती हूँ। ये क्या है, ये तो और बुरा है। लगता है मेरी कीचेन गई। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मैं ये टेप इस्तेमाल कर सकती हूँ। ट्राई कर देखते हैं, पर मुझे इसे प्यारा सा बनाना होगा। इस पर लव हार्ट स्टिकर लगा देंगे। अब टेप को फोल्ड करेंगे, मुझे एक लूप बनाना है। ऊपर की तरफ थोड़ी सी टेप लगा देंगे, इसे इस तरह चिपका देंगे। अब नीचे के दोनों कोनों को साथ में जोड़ेंगे, हमें ऐसी पॉकेट बनानी है। हाँ अब हमें और टेप चाहिए, इसे ऊपर की तरफ लगा देंगे, ऐसा ही नीचे भी करेंगे, ये सिक्योर हो जाना चाहिए, ये बढ़िया है। पर अभी और भी काम बाकी है, हमें इसकी की चेन बनानी होगी, इसे टेप से जोड़ देंगे, ये परफेक्ट है। इसे मैं अपने बैग पर लगा लेती हूँ, जितना सोचा था उससे भी बढ़िया है। चलो अब क्लास में चले। हाय मॉली, क्लास के लिए तैयार हो? हाँ मैं हूँ। मेरी पेंसिल को क्या हो गया? ओ नहीं, क्लास शुरू हो रही है, ये टेस्ट का समय है, मुझे एक दिक्कत है। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम फेल होती हो, अब तुम्हें पता चलेगा। ओ नहीं, ये सही नहीं है। क्या दिन था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं फेल हो गई। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकती। वाह जरा ये देखो, मुझे पता है क्या करना है,
पहले मुझे एक चीज करनी होगी। मुझे बड़े नेल्स और पेंसिल चाहिए। मैं नेल से शुरू करूंगी। मैं इसमें नेल पॉलिश ऐड करूंगी, उसके ऊपर पेंसिल लगाऊंगी, इसे प्रेस करूंगी। अब बाकियों की बारी। मैं इस नेल के लिए शार्पनर यूज करूंगी। ये बढ़िया है। अब मुझे इसके ऊपर लगाना है। मैं नेल्स के ऊपर थोड़ा स्पार्कल ऐड करूंगी। ये बढ़िया है। जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। मुझे लगता है मैंने बढ़िया किया। क्लास का समय है। हाय जैस्मिन, मैं आज तैयारी करके आई हूँ। चलो करें। ओह, मुझे ये पता है। ये आसान है। मैं इस बार जरूर पास हो जाऊंगी। समय निकल रहा है। मैंने कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। रूल्स तो रूल्स हैं। उम्मीद है मैं लेट नहीं हुआ। तुम क्या कर रही हो? तुमने इस तरह ड्रेस क्यों पहनी है? तुम नर्ड लग रही हो। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? तुम्हें सच में नहीं पता? तुम्हें साइन पढ़ने चाहिए। हमें यूनिफॉर्म पहनी है। क्या कहा? ये बुरा हुआ। अब मैं क्या करूँगा? ओह, मुझे पता है। हे, मेरी हैट, मुझे वो चाहिए। इन चेन्स को निकालते हैं। ओह, मुझे वो पसंद है। ये बहुत बुरा है। और क्या? रुको, मुझे ये चाहिए। ऐसे ही रहो। क्या ये सब जरूरी है? ये शर्ट कॉलर की तरह लगेगा। हे, मैं बढ़िया लग रहा हूँ। और ये सब मेरी वजह से हुआ। चलो क्लास में चले। तुम अंदर जा सकती हो। बहुत अच्छे मॉली। इतनी जल्दी नहीं। क्या कुछ गड़बड़ है? उम्मीद है ये काम कर जाए। दिलचस्प है। पर तुमने यूनिफॉर्म पहनी है। चलो आ जाओ। क्या सच में मैं आ जाऊँ? तो ठीक है, हाथ मिलाओ। नहीं, अजीब है। आजकल के बच्चे भी ना। आह, क्या दिन था। मुझे खुशी है कि मैं घर आ गई। मुझे विश्वास नहीं होता मैं फेल हो गई। मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं किसे फर्क पड़ता है? आखिरकार अब मैं आराम कर सकती हूँ। हे, मजे करना चाहोगी? बढ़िया कैच थी। वो अब बेहतर है। मैं मॉली का डेस्क साफ करती हूँ। कोई धूल नहीं चाहिए। ओह, ये क्या है? मुझे इसे देखना होगा। एक F? मेरे होते हुए नहीं। मुझे मॉली को ढूंढना होगा। वो कहाँ है? बॉल पास करो। इसे कोई खराब नहीं कर सकता, ऐसा तुम सोचती हो। हे, इधर ध्यान दो। मॉम गुस्से में लग रही है। इसे समझाओ। खैर, मुझे लगता है सब खत्म हो गया। मुझे जाना होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंदर चलो। मॉम, मेरी दोस्त के सामने नहीं। तुम्हें और पढ़ना होगा। मैं सीरियस हूँ। अभी से शुरू करो। चलो, अगर आप कहती हैं तो। ये बहुत बुरा है। मुझे ये नहीं करना। इसका कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो करें। मुझे स्ट्रिंग चाहिए। मैं इसे डोर हैंडल पर बांधूंगी, फिर हुक को यहाँ लगाऊंगी, स्ट्रिंग को इस पर रैप करूंगी। बहुत बढ़िया जा रहा है। दूसरे एंड पर मैं अपने फोन को चिपकाऊंगी। मुझे लगता है मैं तैयार हूँ। पढ़ाई करना बहुत बोरिंग है। ये बहुत बेहतर है। ओप्स, मॉम आ रही है। मॉली, क्या तुम पढ़ रही हो? बिल्कुल मॉम। वाओ, मुझे खुशी हुई। शुक्रिया मॉम। रुको, ये क्या है? बढ़िया कोशिश थी। इससे छुटकारा पाना होगा। तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। तुम चलाकी नहीं कर सकती। तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। शुक्रिया मॉम। फिर वो चली गई। मैं हमेशा एक कदम आगे चलती हूँ। मुझे चीजें छुपाने में ए मिलना चाहिए। मैं मॉम से ज्यादा स्मार्ट हूँ। स्नैक टाइम। कितने सारे ऑप्शंस हैं? 50 सेंट्स। और ये कितने के हैं? समझ नहीं आ रहा। जरा इसे तो देखो, कितनी क्रीम है। मुझे यही चाहिए। वाह, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, क्यों? सोचना भी मत मैथ्यू। तुमने सुना ना? हटो। हे भगवान, बहुत हल्के हो। नहीं, वाओ, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे हाँ, आखिरकार। मैट, हाय। मैं तुमसे बदला लूंगा। अब ये खत्म नहीं हुआ। आराम से बैठे हो ना, क्योंकि अब ये टाइट हो जाएगा। डिजर्ट के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर मिलेंगे। पैर में खुजली हो रही है।
दोबारा से मंडे आ गया। हाँ यहाँ पर बहुत ठंड है। हाँ शायद बस आज टेस्ट ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी नहीं पढ़ता। तो क्लास आज टेस्ट है। अरे हाँ देखा, तुम समझ गए मतलब ये। जानना चाहते हो ये कैसे किया जाए? पहले नेल्स लगाएंगे। और जब ये अच्छे से चिपक जाए तो उसी साइज का पेपर इसके ऊपर चिपकाएं। बहुत आसान है। ये रहे सारे जवाब। अरे वाह तुम्हारे कहाँ है? जरा देखो तो। हाँ मेरा सोडा दो। ये रहे। मैं बहुत तेज हूँ ना, इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस इसे उल्टा करना है और यहाँ पर जवाब लिखने हैं। अब उसे दोबारा सीधा कर देंगे। कमाल है। हाँ मैं जानता हूँ, तैयार हो? ओ हाँ हाँ मैं हमेशा से तैयार हूँ। वाह अब इसे उल्टा करेंगे। ये रहे। यही वो समय है। हेलो दोस्तों, एक सेकंड रुको, टाइम खत्म हुआ। बहुत अच्छा किया क्लास। मुझे क्या मिला? और मुझे शानदार, हमने कर दिखाया। वाहू! ये रहा तुम्हारा अगला चैलेंज। मैं ही कर सकती हूँ या शायद नहीं। मुझे गुस्सा आ रहा है, सब कुछ बकवास ही होते हैं। दोबारा मैं भी कमाल ही कर देता हूँ। वाओ मुझे बहुत भूख लगी है। क्या ये आवाज तुमसे आई? मैंने आज नाश्ता नहीं किया था, शुक्र है मैं ये लाई हूँ। हेलो दोस्त। एक्सक्यूज मी एमिली, तुम्हें रूल्स पता है ना? मेरे दिमाग से निकल गया था। सफल जी बना लेती हूँ। अब बहुत गुड़गुड़ हो रही है, मैं ध्यान ही नहीं लगा पा रही। एक मिनट रुको, टीचर तो नहीं देख रहे ना? मेरे पास एक प्लान है और इसमें भी सर्कल्स ही हैं, बस चॉकलेट वाले। यही मौका है तो चलो। बढ़िया है ना? एमिली दोबारा गड़बड़ हो गई। ये काम किया, लाजवाब। हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी भूख लगी है। रुको मेरा कलर बॉक्स। ये हुई ना बात, अब सीरियल लेंगे। इसमें डल गया। ओ हाँ अब इसे खाते हैं। स्वादिष्ट, ये काम किया, कमाल है। हे तुम तो बहुत तेज हो, तुम्हें चाहिए? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओ रुको। हाँ ये ट्रिक देखना, सारा का सारा सीरियल उसमें डालेंगे। अब ग्लू लेंगे। ग्लू से मेरा मतलब है दूध, क्योंकि ये दोनों व्हाइट होते हैं। अब सीरियल और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, स्कूल के रूल्स भी नहीं। चलो पार्टी शुरू करें। बस टीचर तो नहीं देख रहे ना? वाह तुम बहुत स्मार्ट हो, क्लास इतनी भी बुरी नहीं होती। वहाँ पीछे क्या चल रहा है? बस ड्राइंग कर रहे हैं सर। ठीक है। हे मुझे भी थोड़े दो। अच्छे है ना?
मेरा प्यारा बच्चा कैसा है? खैर, अब पता चलेगा कि ये लड़का है या लड़की। चलो पता लगाएं। वाओ! बहुत तेज था। वाओ! कितना एक्साइटिंग है। मजा आ गया। रुको, ये एक डॉल है। पिकाचू? मैं बहुत खुश हूँ। एक सेकंड रुको, ये क्या हो रहा है? अरे वाह, ये नहीं हो सकता। हे मॉमी, तो आपके पास खाना है? बहुत दिलचस्प है। हे बार्बी, कैसी हो? मैं तैयारी कर लेती हूँ। नोटबुक चेक। अब मेरी पेंसिल कहाँ है? मेरे पास एक तो थी। अरे हाँ, बार्बी के पास हमेशा एक्स्ट्रा होती है। सोचने दो, रुको, मैं समझ गई। बेस्टी, मुझे एक पेंसिल मिल सकती है? मेरी वाली गुम गई है दोबारा। हाँ बिल्कुल, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पास यहाँ एक है, ये लो। शुक्रिया, तो मैं शुरू करती हूँ। मुझे ये वाला आता है। ये ट्रिकी है, मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था। अब आगे क्या है? आहा, हाँ, ये पेंसिल छोटी हो गई या मैं बड़ी हो गई? मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। बार्बी, मुझे एक और पेंसिल चाहिए। ठीक है, ये वाली ले लो। जरा रुको, तुम ये क्या कर रही हो? मैं कुछ सोच रही हूँ, इससे मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। नम 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 नम, टेस्टी है। तुम ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, ये मुझे दो। तुम क्या चाहती हो? मेरी पेंसिल्स का क्या हाल हो गया है? मैं तो काम करने वाली थी। अब मुझे गिल्ट मत दो। एक सेकंड रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। मैं तुम्हारे लिए कस्टम पेंसिल टॉपर बनाती हूँ और मैं ये फोम इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलो काम पर लग जाएं। सर्कल बनाने के लिए एंड्स को साथ में जोड़ देंगे। अब इसके ऊपर कोने पर इस तरह ग्लू लगाएंगे। एक छोटा सा प्लास्टिक सर्कल लेंगे और इसे फोम पर रखेंगे। जब ये सेट हो जाए तो इसे उल्टा कर देंगे। अब हमें येलो ग्लिटर चाहिए, इसे सर्कल के अंदर डालेंगे। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक का पीस रख देंगे। चलो अब आर्ट बनाया जाए। मैं प्लास्टिक पर एक चेहरा बनाऊंगी। अब अंदर की तरफ एक फोम ट्यूब रख देंगे। यहाँ हम पेंसिल लगाएंगे। इससे मुझे किसी की याद आ रही है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बना है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। तुमने ये मेरे लिए बनाया? वाह, मैं बहुत खास महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया, ये खूबसूरत है। मुझे बार्बी के लिए कुछ बनाना चाहिए। पर क्या? मुझे दिल से कुछ प्यारा सा बनाना होगा। आहा, मेरे स्प्रिंकल्स, ये काम आएंगे। कैंडी हो तो सब अच्छा होता है। बस इसे गम के साथ मिक्स कर देंगे। और अब अगला पार्ट क्या है? मुझे एक बबल बनाना है। कितना सुंदर है। ठीक है, जरा रुको, मुझे तुम्हारी पेंसिल चाहिए। बस एक सेकंड। टडा, तुम्हें कैसा लगा? मैं जानती हूँ ये शानदार है। अब ये ले लो। हे भगवान, मुझे बहुत पसंद आया। कितना प्यारा है। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, अब अपना बोरिंग क्लास वर्क कर लेते हैं। क्या दिन था। हाय बार्बी, तुम विश्वास नहीं करोगी क्या हुआ। वाह, हे ध्यान से। ये क्या है? ये कोई मजाक है? कितना गंदा है। तो मैं अपने लॉकर पर थी और फिर केविन ने, रुको, मुझे छींक आ रही है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई ध्यान नहीं देगा, मैंने इससे भी बुरा किया है। तो मैं उसकी जोक्स पर हंस रही थी और उसे मैं पसंद आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा? ठीक है, ये लो जल्दी करना और तुम्हें कोई देख ना ले। जल्दी करो। चलो भी। क्या, ये क्या बकवास है? तुमने क्या कर दिया? क्या ये चिप्स का चूरा है? माफ करना, ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हें भी चाहिए? नहीं तो ठीक है, मैं खा लेती हूँ। हम दोस्त क्यों है? ये चॉकलेट खाकर मैं खुद को तसल्ली दे देती हूँ। मैंने फिर से सब खराब कर दिया क्या? माफ कर दो। एक सेकेंड, चॉकलेट बार तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इससे मुझे एक आइडिया आया। ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले मुझे एक ग्लू स्टिक चाहिए। इसे नोटबुक पर लगाएंगे। अब इस पर एक कार्ड लगाएंगे। अच्छे से स्मूथ कर लेंगे ताकि कोई क्रीसेस ना बचे। ऐसा ही दूसरी साइड पर भी लगाएंगे। इसे अच्छे से चिपका देंगे और कार्ड में से छोटे छोटे स्क्वायर्स काट लेंगे। अब कार्ड पर क्रीसेस बनाएंगे। अब इसे बॉक्स में बदल देंगे। हर साइड पर थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे। अब इसमें एक और कार्ड लगा देंगे। फ्लैप्स को कार्ड में प्रेस कर देंगे। इससे ये पूरा टिक जाएगा। हमें और भी बहुत सारे बॉक्सेस चाहिए, पर हम इन्हें बस ऊपर के आधे हिस्से में लगाएंगे और नीचे की तरफ एक ब्लू
कार्ड लगाएंगे और इस पर एक प्यारा सा चेहरा बना देते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल की शीट को इस तरह क्रिंकल कर लेंगे। अब इसको एक पतले से रेक्टेंगल की शेप देंगे। अब इस पर ग्लू लगाएंगे, इतना काफी है। इसे नोटबुक पर चिपका देंगे। लगता है ये तैयार है। ये चॉकलेट के बार जैसा है, देखकर भूख लग गई। हे, जरा ये देखो। नोटबुक के लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये मेरे लिए? ये परफेक्ट है। तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो। मुझे भी बदले में कुछ देना होगा और मैं जानती हूँ क्या करना है। ये येलो फोम लेंगे, एक कार्ड के पीस से दो कान के शेप्स काटेंगे, इन्हें इस तरह ट्रेस कर लेंगे। जब ये हो जाए तो फिर इन्हें काट लेंगे। येलो फेल्ट की एक स्ट्रिप लेंगे और इस पर नोटपैड रखेंगे। कोने पर ग्लू की दो लाइंस बनाएंगे और इसके कान इस पर लगा देंगे। अब नोटबुक को खोलेंगे और अंदर के कवर पर ग्लू लगा देंगे। फेल्ट को इस तरह फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ चिपका देंगे। चीक्स के लिए दो पिंक फेल्ट सर्कल्स काटेंगे और अब बाकी का चेहरा ड्रॉ कर देंगे। इसकी नोज और आईज बनाएंगे और इसकी बड़ी सी स्माइल। देखो मेरे पास क्या है, ये तुम्हारे लिए। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। वाओ, कितना सॉफ्ट और फ्लफी है, बहुत कूल है। मेरी नोटबुक देखकर मुझे भूख लग रही है। ये बिल्कुल खाने लायक लगती है। वाह, ये पेंटिंग बस बनने ही वाली है। बहुत शांति है, मतलब कुछ ज्यादा ही शांति है। तो ये बात है, पिकाचू फिर से छिप रही है। हे, मैं जानती हूँ तुम इसके अंदर हो। चलो बाहर निकलो, हमारे पास बहुत सारा काम है। ये क्या हो रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। बार्बी बहुत तंग करती है। मुझे इग्नोर मत करो। तो ऐसी बात है, मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे नींद आ रही है। हे, कैसी हो? ओ, मैं आर्ट क्लास के बारे में तो भूल ही गई। मैं अपना अगला मास्टरपीस बनाऊंगी, पर मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही, मुझे वापस सो जाना चाहिए। जरा रुको, मैं समझ गई। बहुत बढ़िया बनेगा। पहले एक पेपर को फोल्ड करेंगे। मैं पोकेबॉल बनाना चाहती हूँ। फोल्ड के आधे हिस्से पर हम सेमी सर्कल बनाएंगे। अब इसके बीच एक छोटा सेमी सर्कल ऐसा ही पेड़ के नीचे की तरफ भी बनाएंगे। अब पेपर को खोल लेंगे। अब यहाँ से बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। ये एक सेल्फ पोर्ट्रेट है। दो बाजुएं और कान बनाएंगे। अब बाकी का चेहरा, अब हम इसे कलर करेंगे। मैं येलो कलर कर रही हूँ। बस लाइंस के बीचों बीच रखना है। चीक्स पर रेड कलर करेंगे और टंग पर पिंक। अब पोकेबॉल को कलर करना होगा, बस ऊपर के आधे हिस्से को करेंगे। लाइट रिफ्लेक्शन बनाने के लिए छोटा सा ओवल छोड़ देंगे। हाँ, इतना काफी है। अब पेपर को वापस फोल्ड कर देंगे। मैं ये पूरा दिन कर सकती हूँ। अब मैं ये बार्बी को दिखाती हूँ। बार्बी, जरा ये देखो। वाह, तुम तो बहुत तेज हो, मुझे बहुत पसंद आया। जरा रुको, ये क्या है? तुमने वो देखा ना, ऊपर एक पेंसिल मार्क है। क्या? ओ नहीं, ये यहाँ कैसे आ गया? मेरी इतनी सुंदर क्रिएशन, ये खराब हो गई। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं ही ठीक करती हूँ, बस थोड़ी मदद चाहिए। मैं क्या चुनूं? ये चलेगी। हाँ हाँ, ड्राइंग के ऊपर चलो, ये काम कर रहा है। ये शूज कितने स्टाइलिश है और काम के भी। वाह, ये तो बिल्कुल नया जैसा हो गया, तुमने ये कैसे किया? मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी, मेरी डॉल के शूज हमेशा से ऐसे नहीं थे। चलो इन्हें उतार लेते हैं, हमें कुछ चीजें बदलनी है। मेरे पास दो ऐसे पेंसिल इरेजर्स हैं जो शूज की सोल्स की शेप में है। इस पर ग्लू लगाएंगे और ग्लू के सेट होने से पहले ही हम इस पर शूज प्रेस कर देंगे। ये इतना सिंपल है। अब ये मैचिंग पेयर है, चलो ट्राई करो, ये परफेक्ट फिट है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे जलन हो रही है। काश मेरे पास भी ऐसे शूज होते, हमें साथ में शॉपिंग पर जाना चाहिए। अरे हाँ, चलो अब अपना काम करो। अच्छा है ना? वाह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। मैं तुम्हारे बिना क्या करती, मैं इसे दीवार पर टांग दूंगी। अरे नहीं, मैं लेट हूँ, मैं इतना कैसे सो गई? दोबारा रुको, यहाँ पर सिर्फ एक ही पेन क्यों है? ओ, तो ये बात है, मैं कल रात आर्टिस्ट बनी हुई थी। यहाँ गंद मचा हुआ है। ओह, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। ये यहाँ कैसे आ गए? मुझे जाना होगा। पिकाचू हमेशा लेट होती है। मैं आ गई, मैं आ गई। देखो ये कितना कूल है। हे, जरा इसे देखो, मैंने अपनी पेंसिल्स पर यूनिकॉर्न बनाया। मुझे तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। वाओ, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। तुम कितनी क्रिएटिव हो। जरा ये गड़बड़ देखो, काश मैं भी तुम्हारी तरह ऑर्गेनाइज्ड होती, पर मैं ऐसी ही हूँ। पर ऐसा होना जरूरी नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, ट्राई कर देखते हैं।
पहले मुझे अपने फोल्डर में से एक सेक्शन काटना होगा। मैंने गाइडलाइंस बना ली है। अब इसे मोड़ कर फोल्ड करने के लिए हम रूलर इस्तेमाल करेंगे। इससे हम सीधे सीधे कोने बना पाएंगे। बस लाइंस को फॉलो करना है। आसान होता जा रहा है। बस ये आखिरी फोल्ड है। अब इसे असेंबल करना शुरू कर सकते हैं। सारे पीसेस को साथ में जोड़ देंगे और फ्लैप से टिके रहेंगे। ये अभी थोड़ा बोरिंग है तो मैं इसे पर्सनलाइज कर देती हूँ। पहले आंखें बनाएंगे, अब चीक्स के लिए सर्कल बना देते हैं। बस होने ही वाला है। वाह, जितना सोचा था उससे काफी बेहतर है। कभी कभी मैं खुद को हैरान कर देती हूँ। ये है एक बढ़िया पेंसिल केस। ये तुमने बनाया? अब पेंस इधर उधर फैलेंगे नहीं। मुझे जो चाहिए सब इसमें है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मुझे एक और पेन चाहिए। शुक्र है मैं जानती हूँ ये सब कहाँ है। और तुम साथ में बहुत अच्छे लगते हो, कितने प्यारे हैं। रुको, तुम्हें डांस करना चाहिए। हाँ, ये क्या हो रहा है? तुम खड़े क्यों नहीं हो सकते? ये बहुत अजीब है। मैं तो बस एक रोमांटिक मोमेंट बनाना चाहती हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं हार मानती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ? ये कुछ अलग है। क्या ये सच में हो रहा है? हाँ, हाँ शायद। रुको, मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। मेरे पैर फ्लैट है। कितना अजीब सपना था। वो, तुम सच में यहाँ हो? कमाल हो गया, मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। वाह, गुड मॉर्निंग कैन। अच्छे से सोए? हाँ बिल्कुल, चलो तैयार हो जाए। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? मेरी मॉर्निंग किस कहाँ है? मैं भी ना। पहले क्या करें? पहले दांत ब्रश करने होंगे। अच्छा आइडिया है, मिंटी फ्रेश ब्रेथ होनी चाहिए और चमचमाती हुई मुस्कुराहट। तो चलो करें। अच्छे से स्क्रब करना, डेंटिस्ट गुस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, भरोसा रखो। गुदगुदी हुई, मजा आ रहा है। ये मजेदार है, इतना काफी है। वाह, मेरी स्माइल बहुत अच्छी हो गई। तुम हमेशा अच्छी दिखती हो बार्बी। चलो अब धोए। मेरे दांत कैसे लग रहे हैं? बढ़िया और सफेद, परफेक्ट। मैं जानता था। वो कितना प्यारा है। चलो अब कुछ खाएं, मुझे भूख लगी है। मेरे पास अपना जूस है। बहुत टेस्टी है। मजा आ गया, एकदम ताजा है। मुझे साथ में समय बिताना पसंद है। आज का दिन बहुत बिजी होगा। कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कैन। ओह, ज्यादा स्ट्रेच हो गया। ओह, मजा आ गया। ये लो। बच गया। वन, टू। तुम्हें किसी चीज की स्मेल आई? ओह बार्बी, मैं लीक कर रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहे हो? ओह नहीं, मैं भी। मैं टॉप नहीं पहनूंगा। ये फैमिली शो है। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हे बार्बी, तुम ठीक तो हो? उप्स, मेरी गलती है। ये देखो, चलो पार्टी करें बार्बी। मजा आएगा, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं कब से मूव्स पर काम कर रही थी। वाह, तुम तो नेचुरल हो। रुको, एक परेशानी है। क्या हुआ केन? मुझे ये लुक अच्छी नहीं लग रही। मेरी भी कोई रेपुटेशन है। अरे हाँ, तुम केन हो। मैं कपड़े नहीं पहन सकता, है ना? नहीं, मुझे आउटफिट बदलनी होगी। तुम कहाँ देख रहे हो? वाह, चलो काम पर लग जाए। मुझे उम्मीद थी तुम यही कहोगी। बहुत मजा आएगा। ये कपड़े काम आएंगे? हाँ, ये हुई ना बात। बार्बी, अब क्या हुआ? ये फिट नहीं आएंगे। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। बहुत गुस्सा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? उदास मत हो बार्बी, मुझे इसे ठीक करना होगा। पर कैसे? एक सेकंड रुको। मैं समझ गया। But gosh, अरे हाँ, ये तो ऑब्वियस है। ये खुल क्यों नहीं रहा? मैं भी बुद्धू हूँ, मुझे हैंगर इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। हमारे पास यहाँ क्या है? ये बहुत प्लेन है। आओ, आओ, बालों से संभाल कर। हमारे पास और क्या है? ये जीन्स बोरिंग है, नहीं चलेगा।
ये बढ़िया है। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे थोड़ी ऑल्टरेशंस करनी होंगी। पहले लेग्स पर एक कट लगाएंगे, इसे बिल्कुल सीधा रखेंगे, बस हो गया। मुझे यही तो चाहिए था, पर अभी और भी काम करना बाकी है। नीचे की तरफ भी एक और कट लगाएंगे, सीम के बिल्कुल साथ साथ, इससे ये और आसान हो जाएगा। बिल्कुल आखिर तक नहीं लेकर जाएंगे। अब इस पर बटन्स लगाएंगे, ये पहनने के लिए तैयार है। वो कितना अच्छा लग रहा हो, ये मुझ पर जच रहा है। डेनिम जितनी भी हो कम है, अच्छा लग रहा है और अच्छा महसूस भी हो रहा है। हे बार्बी, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये कैसा लगा? बहुत स्टाइलिश है, पर मेरे पास अभी भी पहनने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, ये तो परेशानी की बात है। तो मैं पार्टी पर नहीं जाने वाली, मुझे आज कुछ करना होगा। जरा रुको, मैं समझ गया, इसका हल तो मेरे हाथों में ही था। फ्लावर को फोल्ड करेंगे, इसकी प्लीट बना देंगे इस तरह। सारे फोल्ड्स एक ही साइज के होने चाहिए, इसे बाकियों के साथ रख देंगे। अब क्या करें? मैं ये उधार ले सकता हूँ टेडी, ऐसे बो में बांध देंगे। ये बहुत सुंदर है कैन, तुम्हारे जितना नहीं। हाँ, तुम कितने प्यारे हो। पार्टी करने के लिए तैयार हो? ओ हाँ, वुहू, बहुत मजा आएगा। रुको बार्बी, हम लेट हो जाएंगे। क्या होंगे? हमें जाना होगा, तो तेज चलो कैन। कितनी बढ़िया पार्टी है, मैंने बहुत मेहनत की है, पूरी रात डांस कर रही थी। अब नहाना होगा। हाँ चलो, अब अपना काम करो। हेलो, पानी कहाँ है? इसे ऊपर कर देती हूँ। अब मजा आ रहा है, कितना रिलैक्सिंग है। जरा रुको, मेरे बाल, ये खराब हो गए। आज मेरा बैड हेयर डे है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? शायद मैं इसे ब्रश कर सकती हूँ, ट्राई कर देखते हैं। ये कैसा मजाक है, सब बहुत बुरा हुआ। हाय बार्बी, ये आवाज कैसी है? देखो कैन, मैं कुछ मदद करूं? सच में, मेरे बाल देखो, मुझे गर्म पानी से नहाना था और फिर ये हो गया। मैं भयानक लग रही हूँ। अब तुमने बोल ही दिया है तो सच में लग रही हो। तुम्हें पता नहीं है हम नहा नहीं सकते? मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं बहुत उदास हूँ। मैं बार्बी को उदास नहीं देख पाता, अब मैं क्या करूँ? हाँ फूल, मुझे उसे खुश करना होगा। शो टाइम। हाँ क्या? मुझे लगा था ये काम करेगा। ओह समझ गया, रोज पेटल बात कैसा रहेगा। बहुत रोमांटिक है कैन, मुझे करने दो। वाह कमाल है, मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा। बहुत पसंद आया, और मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखकर खुश हूँ। और रोज पेटल्स चाहिए, तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। तुम जानती हो मुझे कैसे खुश करना है। अब चलना होगा। वो बैकअप, ये ठीक नहीं है, ये हुआ कैसे? बहुत ही शर्मसार है। ये नहीं चलेगा, इसे हटाना ही होगा। मेरे पास यहाँ सारे काम की चीजें हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसे वाइप से निकाल देंगे। पहले आई शैडो हटाएंगे, कैसा लग रहा है? वाह ये काम किया, अब लिपस्टिक की बारी। शुक्र है मैं ऐसे बाहर नहीं गई। तुम बहुत अच्छे डॉग हो। क्या हो रहा है बार्बी? मैं अपना मेकअप ठीक कर रही हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ अलग है। मॉन्स्टर, तुम बहुत बुरे हो। कोई बात नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ क्या करना है। मेरे पास कुछ खास इक्विपमेंट है, तुम बिल्कुल सेफ हो बार्बी। जरा ये देखो, ये बहुत ही प्यारा सा है। मुझे फोकस करना होगा, ऐसे ही रहो। मेरा काम पूरा हुआ। वाह तुम एक आर्टिस्ट हो। हाँ मैं जानता हूँ। जरा मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगी। ओह
मौका अच्छा है, काम कर लेना चाहिए। मैं लकी हूँ कि उन्हें ग्लासेस के बिना नजर नहीं आता। बहुत मजा आएगा। अपना काम करो पूप। ये बेहतर है, मुझे इसकी कॉपीज करनी होगी। फोकस, ये टेस्ट है, कोई मजाक नहीं। ये लो, और एक तुम्हारा। हे, देखो, पूप। टेस्ट खराब हो चुका है। ठीक है क्लास, टेस्ट शुरू हो चुका है। मेडिसिन, ये लो। बढ़िया, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे सच में पढ़ना चाहिए था। कोई मेरी मदद कर दे। मैथ्स बहुत मजेदार है, ये कितना एक्साइटिंग है। वाह, उसे अपने आप को देखना चाहिए। पर हाय, हाँ, तुम मेरी मदद कर दोगे? बिल्कुल, वैसे इसके पैसे लगेंगे, एक किस और तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे। मुझे इनकी इतनी भी जरूरत नहीं है। नहीं, ये बकवास है। हाँ सोचो, तुम ये कर सकती हो। ये बस नंबर्स ही तो है, इससे कुछ भी नहीं हुआ। दिमाग चल जाए। मेडिसिन, टाइम जा रहा है, जल्दी करो। मैं कोशिश कर रही हूँ। हाय, एक किस ही है ना? क्या दिन है, वाह। ये बस किस है, बस सोचो कि ये तुम्हारी ग्रैंड मॉम है। सीधा चीक पर। मुझे माउथ वॉश चाहिए। हो गया। हे, मुझे अपने आंसर्स दो। ओह हाँ, डील तो डील है। यहाँ देखो, आंसर के लिए पहले इक्वेशन लिखो। अब दो नंबर्स को जोड़ो, 6 और 4 होते हैं 10। अब ये दो लो और 10 में से इसे माइनस कर दो, तो अब आया 8। अगले आंसर के लिए भी हम यही करेंगे। इस बार हम 2 और 5 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास आया 7। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 5। वाह, ये कितना अच्छा है। शुक्रिया, मैं ये कर सकती हूँ। पहला आंसर 8 है और फिर 5। उसे सारे आंसर्स पता है। ये देखो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। हाँ, तुम्हें किस करनी होगी। मुझे चलेगा। गलत बात है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह हाय, देखो मैं क्या लाया, एक पपी। वाह, मैं इसे रख लूं? बिल्कुल, इसका नाम फ्लफी है। कितना प्यारा नाम है, तुम कितनी प्यारी हो। हाँ बिल्कुल। हाय गाइस। हाय, मैं बहुत सुंदर हूँ। क्या, हटो। नहीं, जो भी है, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। नहीं, मुझे खरीदने की कोशिश मत करो। ठीक है। ओ, प्यारा सा पपी। ये गलत बात है, वो अपने आप को क्या समझती है। मुझे बहुत गुस्सा रहा है। मैंने इसे चॉकलेट बार पर निकाल दिया। इसे पकड़ोगी? हाँ बिल्कुल। मुझे पता है उससे बदला कैसे लेना है। मैं चॉकलेट पेपर को ऊपर से काट दूंगी। अब इसे उसकी नोटबुक पर लगा देंगे। लो, कितना प्यारा डॉग है। हे भगवान, ये पपी बहुत बुरा है, गंदा है। ये काम किया, मैं ये हटा देती हूँ। मैं वापस आ गई। हेलो फ्लफी, अच्छे बच्चे। अपना अपना टेस्ट अच्छे से करना, तुम शुरू कर सकते हो। ठीक है, मुझे ये सारा आता है। मुझे उसमें से कुछ नहीं आता। मैं हार्ट अटैक आने का नाटक करूं? ना, ये बेकार है। क्रिस, बातें नहीं। ओह सॉरी मिस। हे मेडिसिन, क्या? मेरी मदद करो, मैं तुम्हें ये कैंडी दूंगा। तुम्हें पता है मुझे कैंडी कितनी पसंद है। ठीक है, ये लो। शानदार, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। ये आंसर्स, ये ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं यही ढूंढ रहा था। हे, अगर तुम्हें ये चाहिए तो आंसर्स मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद कर चुकी हूँ। बहुत गुस्सा दिला रहे हो। तो ये आया सच में, ये कचरे में जाएगा। इसने किया? नहीं, इसने किया ना। झूठा, ये कैसे बच्चे हैं?
मैं अपनी बुक ही पढ़ लेती हूँ। चलो ये दोबारा ट्राई करें। हे हे, अब क्या? ये कैंडी बार देख रही हो, ये कैसा रहेगा? हाँ तो डील रही। हम ये करें कैसे? समझ गए, मुझे पता है। एक नोटबुक खोलें और बुक के बिल्कुल कोने तक टेप के स्ट्रिप्स लगाएं। इसे पूरे पेज पर लगाएं। अब एक स्पॉन्ज लें और इसे छोटे पीसेस में काटें। एक पीस हाइलाइटिंग पेन पर लगा दें। अब आपके पास कुछ भी मिटाने के लिए इरेजर है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हे, तुम्हें आंसर चाहिए? ये देखो। तुम क्या कर रही हो? रुको, अब ये देखो। वाह, शुक्रिया। मुझे लगा मुझे आंसर्स मिलेंगे ही नहीं। वहाँ क्या चल रहा है? ओ, कुछ भी नहीं मिस। देखो, मेरा भ्रम होगा। बाल बाल बचे। हे, मुझे कैंडी बार दो। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। क्या प्रैक्टिस थी दोस्तों? बेहतर लग रहा है। रुको, मेरे पास नोटबुक वगैरह कुछ है? यहाँ मुझे वो लिखने वाली चीज चाहिए। पेन? हाँ बिल्कुल। नहीं, यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? हे स्मार्ट गर्ल, यहू मैं। हाँ, मुझे पेन मिल सकता है? ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये रहा। वाह, शुक्रिया। ओ नहीं, ये टूटा हुआ है। हे स्मार्ट गर्ल, ये वाला खराब है, मुझे दूसरा मिलेगा। ध्यान दो ना। वाह, एक बार में दो दो। ओ, ये कैसे हो सकता है? ये लो, लो ये वाला लो। उसने इसके रिसेट रखी होगी। स्मार्ट गर्ल, ये मेरा आखिरी पेन है। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, ये जूस बॉक्स काम आएगा। शायद ये स्ट्रॉ मदद करे। ये चलेगा। एक पेन खोले, इंक ट्यूब के बिल्कुल नीचे ग्लू लगाए इस तरह। अब एक स्ट्रॉ लें और इंक ट्यूब उसके अंदर डाल दें बिल्कुल नीचे ग्लू तक। ये पेन स्ट्रॉस की तरह दिखते हैं और इन्हें कोई नहीं मांगेगा। वाह, ये कितने कूल है। मुझे पेन मिल सकता है? ये स्ट्रॉस है, माफ करना। ठीक है। हे ब्रो, तुम्हारे पास पेन है? हाँ, अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। आज का सब्जेक्ट है पॉपिट यूनिकॉर्न। चौके में कहेगा वो लूजर है। मैं जीत गया। हाँ, मैं जीत गई। ना ना। तैयार हो? प्लीज, मैं हमेशा से तैयार हूँ। ये कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे जीतना ही होगा, जल्दी चलो भी। मैं ये आराम से जीत जाऊंगा, तुम हारने की तैयारी करो। हाँ बिल्कुल, लगभग हो ही गया। असली आर्ट छोड़ो, मुझे करना होगा। मेरी पेंसिल, मैं ये और इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये हो ही गया, मुझे ये नहीं चाहिए। वो कर क्या रही है? लास्ट सेक्शन। चलो भी, मुझे कर जीतना होगा। मुझे और पेंसिल चाहिए। वो क्या कर रहा है? आराम से करेंगे तो जीत ही जाएंगे। मैं उसे जीतने नहीं दे सकती, पर मेरे पास पेंसिल्स नहीं है। रुको, उसके पास पेंसिल्स नहीं बची। मुझे बाद में पछतावा होगा। जरा मुझे दिखाओ, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। हेलो, मेरे पास एक आइडिया है, ये स्प्रॉ काम आएगा। एक ड्रिंकिंग स्क्रॉल लें और उसके अंदर पेंसिल निब लगाएं। दूसरे एंड के साथ भी यही करें। अब ये पेंसिल लिख भी सकती है और ड्रॉ भी कर सकती है। मैं इतनी आसानी से नहीं जीतना चाहता। हे, ये तुम्हारे लिए पेंसिल्स। मतलब मैं अपनी ड्राइंग खत्म कर सकती हूँ? शुक्रिया। कोई बात नहीं, रुको, शुरू करो। 3, 2, 1, चलो। मैथ्यू बहुत प्यारा है। बकवास पेंसिल, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मैं एक और निकाल लेता हूँ।
ये क्या? कुछ हुआ है मैथ्यू? कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया स्टेसी। अरे शांत रहो, मैं अपने नेल्स फाइल कर रही हूँ। ओ, मुझे पेंसिल्स दो। ये लो। मैं अपना नेल फाइल इस्तेमाल कर सकती हूँ। सिर्फ तुम्हें ही मैथ्यू प्यारा नहीं लगता। रुको, क्या? मैथ्यू मेरा है। ऐसा तो तुम्हें लगता है ना? ओ नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा। मुझे मैंडी को हराना होगा। हो गया। ये लो मैथ्यू। हाँ, मैंने कर दिखाया। हे भगवान, शुक्रिया लड़कियों, जरा रुको। ओ, वो मुझे अपना नंबर देने वाला है। शायद वो मुझे डेट के लिए पूछे। तुम ये वाली पेंसिल्स भी कर दोगी? क्या? मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज। नहीं, तुम अब नहीं जाओगी। फिर मिलते हैं। नहीं, वापस आओ। पकड़ लिया। कुछ भूल रही हो? ओ, चलो भी, ये बहुत गलत बात है। मुझे लगा था आप ये भूल गई हो। नहीं, गुड लक। तभी मुझे क्लास पसंद नहीं है। कोई और चारा नहीं है, तो मुझे ये टेस्ट करना ही होगा। ये हुई ना बात। यही मौका है। शुक्र है, मैं हमेशा तैयारी के साथ आती हूँ। जब चीटिंग कर सकते हैं तो पढ़ाई कौन करे। ओ, ये दिलचस्प है। हाँ, ये मैंडी क्या कर रही है? वहाँ क्या हो रहा है? बढ़िया है, शायद मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया। मैं क्या कर सकती हूँ, आपके ग्लासेस अच्छे हैं। मेरी क्लास में चीटिंग नहीं चलेगी। जी हाँ, अच्छी कोशिश थी मैडी। अब टेस्ट पूरा करो। उन्हें लगा कि मेरे पास सिर्फ वही थी, मेरे पास बैकअप होता है। ये बहुत तेज है। ये क्या, ये कैसा मजाक है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे पास होने से मतलब है। अजीब है, देखो मुझे क्या मिला। ये तुम्हारी है? ओ नहीं, मैंने ये पहले कभी नहीं देखी। आप ये फालतू के पेपर ले जाओ। मुझे मत बताओ क्या करना है और क्या नहीं, इतनी ही मेहनत पढ़ाई में कर लेती। अरे यार, ये क्या? वो मुझे नहीं रोक सकती। शुक्र है मैं ये नकली हाथ ले आई थी। कुछ ठीक नहीं है। ये क्या हो रहा है? शांत रहो, उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। हे, बस ऐसे ही रहो। क्या, ये क्या हुआ? मैंडी। हाँ, ओ हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल नॉर्मल है। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। जो भी हो, मैं गम खाकर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। ओ, ये तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। अब वो क्या कर रही है? क्या, मैं गम भी नहीं चबा सकती? तुम एग्जाम पर फोकस करो, अब मुझे दो। ठीक है। ओ, टेस्ट पूरा हो गया। ये लो, बस मैं पास हो जाऊँ। उप्स, गम अभी भी यही है। ठीक है। अच्छा, दिलचस्प है। बहुत अच्छा किया, तुम पास हो गई। शुक्रिया, मुझे चलना होगा। आखिरकार मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। शांति मिली, बाय बाय मैडी। ये लड़की नहीं सुधर सकती। मैं भी गम का एक पीस उठा लेती हूँ। कोई आसपास नहीं है, मुझे एक ट्रीट मिलनी चाहिए। अच्छा लग रहा है। ओह, क्यों नहीं। ये बढ़िया है। एक मिनट रुको। बकवास है। क्या ये पेपर है? इस पर तो आंसर्स है। उसने दोबारा चीट किया, इस पर विश्वास ही नहीं होता। मैडी रुको, मैडी वापस आओ। मैडी, ये बुक कितनी अच्छी है। बुक्स दुनिया की सबसे अच्छी चीजें होती है। जरा पेपर की खुशबू तो देखो, मैं ये जरूर पढ़ूंगी। हाय मिस, बुक्स के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। मैं इंतजार नहीं कर सकती, वो बहुत प्यारी लड़की है। और ये बुक, वाह। ओह, आप यहाँ हो, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है। चलो, मेरी मदद कर सकते हो? ओह, कोई बात नहीं स्टेसी। ये आंसर्स देखो कितने सिंपल हैं। देखो। ओह हाँ, मैं समझ गई। शुक्रिया, मदद करके अच्छा लगा। अब मैं अपनी बुक पढ़ लेती हूँ। क्या, मैं कहाँ थी, भूल गई। मैं और ध्यान नहीं भटका सकती, मुझे कहीं बैठकर ये पूरी बुक पढ़नी होगी, जहाँ शांति हो। वाह, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं पढ़ी। इस क्यूबिकल में कोई है? थोड़ी देर में यही रहूंगी। जल्दी करो, मैं बिजी हूँ। चलो भी। ओह, क्या है? ठीक है, मैं बाहर आ रही हूँ, हटो।
लो लो जाओ, अभी तुम्हारा हुआ। ओह कितना गंदा है, लगता है ये जगह ठीक है। क्लास के लिए बुक्स ले लेती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ। ओप्स माफ करना। ठीक है, बहुत अजीब था। ये लो, मैं ये बुक रख ही नहीं पा रही। ये किसने फेंका? गर्ल्स बस करो, रुको ये काम आ सकता है। मैं अभी आती हूँ। टेबल पर ये बुक रखेंगे। अब एक रबर बैंड लेंगे, इसे बुक के ऊपर लगाएंगे बिल्कुल इस तरह। अब मुझे एक पेपर क्लिप चाहिए, इसे रबर बैंड के ऊपर लगाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ थी। चलो बैठ जाओ गर्ल्स, लेसन स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स निकाल लो। हाँ मुझे मजा आ रहा था। ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी लंबे बाल मुझे पसंद नहीं आते, बार बार बीच में आ रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम क्या कर रही हो? तभी तो हम हेयर बैंड इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, तुम अपने आप को बहुत तेज समझती हो। मैसेज, हट जाओ। क्या लिखा है? हाँ वो मुझसे मिलना चाहता है, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। एक मिनट रुको। वो मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हारे बालों को नहीं। ओप्स ये क्या बकवास है, मैं नहीं होने दे सकती। मैं क्या इस्तेमाल करूँ, बस ये काम करे। मैं ये क्या कर रही हूँ? मैंडी वो तुम्हारे बाल बहुत बुरे लग रहे हैं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मेरा हेयर बैंड नहीं मिलेगा, हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। ये क्लिप्स कैसे रहेंगे? वो सच में मदद के लिए शुक्रिया। मैं इसका क्या करूं? रुको, पहले पेंसिल को बालों में ट्विस्ट करेंगे और फिर इस क्लिप से बालों को टिका देंगे। वाह इसने तो काम किया, देखो जरा। और तुम अच्छी लग रही हो। हाँ मुझे चलना होगा, बाय, मजे करो। हाय सॉरी मैं लेट हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर मैं आ ही गई। ओह वाह तो यही मौका है। रुको ये प्राइवेट में होना चाहिए दोस्तों। ये रहे तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट्स। ये क्या, एक F-? वाह ये मैंने क्या किया? ये लो स्टेसी। हाँ, A+। अगली बार कोशिश करना। अच्छा तो ये देखो। क्या कर रहे हो? मैं ग्लू को ग्रेट पर लगाऊंगा। वो कहाँ है? ओह हाँ मेरे पास हमेशा होती है, इमरजेंसी आती रहती है ना। तुम साथ लेकर घूमते हो? ओह हाँ इसे दूसरे पेपर पर लगा देंगे। मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ। और मैं पास हो गया, अब जीनियस कौन है? वाह ये तो अलग ही कहानी है। ये पोस्टर वॉल पर नहीं चिपक रहा, ओ चिपक भी जाओ प्लीज। हाँ लगता है अब मिस्टर ग्लू काम आएंगे। हटो मैं कर लेता हूँ। क्या भरोसा रखो, क्या बाद में ले आएंगे, बस जरा सी ग्लू लगानी है और सब ठीक हो जाएगा। ये देखो अब मेरी तारीफ कर सकते हो। ठीक है बहुत बढ़िया, ये मेरा है मुझे दो। वो ये नहीं चलेगा, मैं जानता हूँ क्या करना है, मैं इसे जोड़ दूंगा। तुमने इस अजीब लड़के को कभी देखा है? हाँ वो कौन है? क्या फर्क पड़ता है, तुम ये ले लो। ओ मैथ्यू थैंक्स। तो उसने ग्लू स्टिक इस्तेमाल की, बहुत फनी है। ओ जरा रुको माफ करना, उठाना ही होगा। हेलो ओ हे जे पार्टी है, हम आ रहे हैं। ये क्या था, लगता है एक परेशानी है, मेरी टाइट्स फट गई, मैं ऐसे नहीं जा सकती। तुम जाओ। पक्का? ठीक है बाय। बाय मजे करो, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम्हें कोई परेशानी है? घबराओ मत मैं जानता हूँ क्या करना है। ओ तो शुरू करो ना, मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। इस ग्लू को फटे हुए टाइट्स पर लगाएंगे। हाँ तो फिर बाकी काम ग्लू का है, तो ये जुड़ जाएगा। तुमने मुझे खुश कर दिया। तुम्हारा मतलब, वाह ग्लू स्टिक तुम मुझे हमेशा हैरान कर देती हो, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
वास के नीचे पानी को जमाएं, ग्लास से आइस क्यूब्स निकाल लें। अब अपना पेंट सेट लें, थोड़ा आर्टिस्टिक हो जाओ। सीधा आइस के ऊपर पेंट करें, अलग अलग कलर्स लें। जब बर्फ पिघलेगी तो पेंट नीचे की तरफ आएगा, कलर्स मर्ज होने शुरू हो जाएंगे। पेंट के अलग अलग लेयर्स बनाते जाएं। ये बहुत रिलैक्सिंग है, इसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। और अब हमें ये मिलेगा, समझे? ठीक है, तो मुझे क्लास वर्क शुरू कर देना चाहिए। हाँ, मेरे पेन को क्या हो गया? इंक खत्म हो गई। हर बार यही होता है, कोई बात नहीं। सोफिया, हे, तुम ठीक तो हो लूना? मेरा पेन काम नहीं कर रहा, मुझे एक मिल सकता है? कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है, वो यही कहीं है। ये पेन नहीं है। जरूर को। हाँ, ये कैसे हो सकता है? यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, मुझे और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं जानती हूँ अपना सामान कैसे रखना है। पहले इस फोल्डर के ऊपर रबर बैंड लगाना होगा, थोड़े और चाहिए। अब मैं इसमें अपना सारा सामान रख सकती हूँ, और अंदर तो और भी जगह है, सब एक ही जगह पर और ढूंढने में भी आसान। अच्छा लग रहा है ना? और ये रहा तुम्हारा पेन। हाँ, क्या? ओह हाँ, थैंक्स। कमाल है, मुझे इतना अच्छा सपना आ रहा था। इतना बोरिंग टेस्ट है। खैर, मुझे तो पसंद आया। तुम पढ़ाकू हो ना, थोड़ी मस्ती हो जाए। हे, बचकानी हरकतें मत करो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। मुझे यहाँ से जाना होगा। ओह, एक मिनट रुको। हे, अब क्या है? जरा ये देखो, बस इसे स्लीप पर रब करेंगे और घुमाएंगे। मान लो तुम्हें पसंद आया। वो, तुम तो जादूगर हो। मैं ट्राई करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, जादूगर कभी अपने सीक्रेट्स नहीं बताता। मुझे और फ्रिक्शन चाहिए। ये देखो, मैं नहीं कर सकती। ओ, समझ गई, मैं इसे अपने दिमाग से पता लगाऊंगी। मैं ग्रेविटी को तो भूल ही गई थी। अर्थ रोटेट करती है, मतलब? समझ गई। चलो इसे दोबारा ट्राई करें। ये जादू नहीं है, जो भी हो। ओ, क्लास, बात ही नहीं। सॉरी, फंस गए। ओप्स, मैं तुम्हें देख रही हूँ सोफिया। मैं काम कर रही हूँ। देखो, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। रुको, मेरे पास पेन था, मैं फेल हो जाऊंगी। घर आ ही गई, क्या दिन था। मौसम बहुत खराब है, पहले मैं इस छाते को रखती हूँ। वाओ, लाइट्स को क्या हो गया? कम से कम यहाँ टॉर्च है, देखते हैं क्या परेशानी है। ये तो बुरा हुआ, दोबारा नहीं होना चाहिए, पर मैं क्या करूं? ये सोडा बॉटल काम आएगी। चलो काम पर लग जाए। इस हैक के लिए आपको एक खाली सोडा बॉटल चाहिए। हाँ, चलो शुरू करते हैं। बॉटल के ऊपर और नीचे का हिस्सा निकाल दें, और दूसरी बोतल के साथ भी ऐसा ही करें। एक के अंदर दूसरे को डालें। अब एक छोटी बॉटल इन दोनों के बीच में डालें। ये बारिशों के लिए परफेक्ट है। ओ, हाय सोफिया। हाय, तुमने बाहर मौसम देखा? सब गीला हो गया। नहीं, ये मत करो। हाँ, क्या हो गया? तुम्हें इसकी जरूरत है। बॉटल को छाते के ऊपर इस तरह लगाओ, इससे पानी फर्श पर नहीं गिरता और ये बॉटल में ही इकट्ठा हो जाता है। ये लो। वाह, काम की चीज है। देखो, ओह, माफ करना। मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। आ जाओ। हाय, आप मुझसे मिलना चाहते थे? प्लीज आइए बैठिए। एक परेशानी है, सोफिया का क्लास वर्क देखिए, ये डिसग्रेस है। हे भगवान। हे, मैं बोर हो जाती हूँ, ये नहीं होना चाहिए। रुको, कॉल आ रही है। हेलो सोफिया, बहुत गलत बात है।
मैं अभी आता हूँ। आखिरकार हो गया। खेलना चाहोगी? क्या पेंसिल लेकर आओ, खेलते हैं। सच में? ये रही। ये काम नहीं आएगी। मुझे सोचने दो, हम यहाँ कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं इस टेप को नोटबुक पर लगाऊंगी, इसके साथ एक और स्ट्रिप और दो स्ट्रिप्स इस तरह। अब हमें पेपर क्लिप्स चाहिए और ये बाइंडर क्लिप्स। हाँ, शुरू करते हैं। चलो तुम्हारी बारी है। ओह, ये तो मजेदार है। मैं अपना क्लिप यहाँ लगाऊंगी। अच्छी कोशिश थी। अच्छा किया। मुश्किल होता जा रहा है। इस बार नहीं। लो। हाँ, मैं जीत गई। शांत रहो, कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ क्या हो रहा है? इसने किया। मुझे वेकेशन चाहिए। चलो भी, इतना समय कहाँ लग रहा है। आई लव यू मिस्टर यूनिकॉर्न। हमने कर दिया, घर मिल गया। चलो पैकिंग करें। ये लो हनी, मैं फेंकाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी। वाह, बहुत सारा सामान है। अब एक टॉयज पैक करो स्वीटी। तुम यहाँ जाओगे, पैक कर देंगे। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। इस पर टेप लगा दूंगी और ये वाला बॉक्स तैयार हो जाएगा। मेरा हो गया मॉमी, मुझे टेप मिल सकती है? ये लो। इसका एंड कहाँ है? ओह, ये स्टिकी है। तुम ठीक तो हो सोफिया? ओह नहीं, मैं फंस गई मॉमी। बचाओ। हेलो मत। ये लो, थोड़ा दर्द होगा। हो गया। थैंक्स मॉम। हाँ, अब पैकिंग कर लेते हैं। एक मिनट रुको, ये काम आ सकता है। टेप को खोलना इस हैक के साथ बहुत आसान हो जाएगा। टेप के रोल में इस तरह जिप टाई लगा दें और इसे टिका दें। अब फालतू का जिप टाई काट दें, ये काम आएगा। ये लो मामी। पहले मैं टेप को बॉक्स से बंद कर देती हूँ और अब इस जिप टाई से हम इसे काटेंगे। तुम ट्राई करो स्वीट हार्ट। वो बहुत बड़ा काम है। मैं कर रही हूँ मामी। ये अच्छा है, तुमने बहुत अच्छे से किया। ये आवाज कैसी? ओह, एक परेशानी है। मदद कर दो। यहाँ छुपना बेहतर है। टारगेट मिल गया। क्यों? मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। ये बहुत गलत है। Hey, ये प्लांट मुझसे बात कर रहा है। यहाँ आओ। मैं? यहाँ आओ। ठीक है, आकर बैठो। सॉरी, ये प्लांट मुझ पर अटैक कर रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं टेस्ट में फेल हो गई। मैं मदद कर सकती हूँ। जरा ये देखो। वाओ, एक ए। ये फ्री नहीं है। हाँ, शुक्रिया। अजीब लड़की, पर तुमने कैसे किया? खैर, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए, पर हर टेस्ट में अच्छा करने के लिए आपको बस एक जंबो पेंसिल चाहिए। स्कैल्पल की मदद से इरेजर को ट्रायंगल शेप में काटें। अब इसके ए शेप बनाएं, रेड पेंट में इसे डिप करें। अब टेस्ट पेपर पर स्टैंप लगा दें। देखा, ये कितना आसान है। वाह, मुझे ये याद रखना होगा। थैंक्स। ओह, मेरी दोस्त आ गई। गाइस, जरा ये देखो, तुम ये दिला सकती हो? चलो हटो, बिजनेस बढ़ रहा है। आओ बैठो। ये लो। अरे वाह, कमाल है। थैंक्स, मुझे पैसे दो। हे, वाह, ये फ्री नहीं है। थैंक्स। पता है स्क्रीन को क्या चाहिए? थोड़ी सी हॉट ग्लू।
और वो भी हार्ट के शेप में। अब ये पूरा नहीं हुआ। ओ नहीं, हम इसमें ग्लिटर भी डालेंगे। ग्लिटर सबसे मजेदार चीज है। और हो गया, बस फालतू का ग्लिटर हटाना है और टडा। ये आर्टवर्क समझ नहीं आ रहा, लगता भी नहीं है। मुझे ख्याल रखना होगा कि कोई इन मास्टरपीसेस से पंगा ना ले, क्योंकि अगर मौका मिला तो कोई जरूर पंगा लेगा, पर मेरी नजरों के सामने नहीं हो सकता। अरे नहीं, हे क्या कर रही हो? मैं इसे अभी रोकता हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? तुमने साइंस नहीं देखे? म्यूजियम में खाना पीना अलाउड नहीं होता। हाँ समझी, ये मैं ले रहा हूँ। लगता है गार्ड का ध्यान कहीं और है, यही मौका है। हाँ, ये कैसा मजाक कर रहा है? उसे लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? मेरी नजरों के सामने ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते। है तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? हाँ, फोन अलाउड नहीं है। हाँ समझ गया, मैंने तुम्हें फोन पर देखा है, तुम फोटोज ले रहे थे, तुम पकड़े गए हो। और अब चलो, ये तो तुम मुझे दो। ये प्लेट कैसी है? अगर मैं इसे टच करूं? वो वो वो, बिल्कुल भी नहीं, तुम आर्टवर्क को नहीं छू सकती, निकलो यहाँ से। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नहीं, क्या ये प्लेट? नहीं, मुझे ये अलार्म बंद करना होगा। हाँ अब बेहतर है, ये तो टूट गया है। स्टैंड को वापस रख देता हूँ। लो कम से कम ये अपनी जगह पर है, अब मुझे थोड़ा समय चाहिए। लो मैं स्टैंड पर अपनी जैकेट को लगा देता हूँ। हाँ बढ़िया, अब हमें जल्दी से कुछ करना होगा। हाँ मैं डेस्क पर आ गया, अब मुझे किसी को कॉल करना चाहिए। नहीं ये कर कुछ नहीं मिलेगा। ओह खाली पेट में कुछ नहीं सोच पाता है। एक सेकंड रुको, ये प्लेट केचप, क्या यही इसका जवाब है? हाँ बिल्कुल, ये रही साफ प्लेट। अब इसके ऊपर अल्कोहल डालेंगे, इतना काफी है। अब हमें अल्कोहल बेस्ड इंक चाहिए, ब्लू से शुरू करेंगे क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। हर तरफ एक ड्रॉप, बढ़िया ये फैल रहा है, पर अभी और डालना है। ये थोड़ा ब्लूइश ग्रीन इंक लग रहा है ना, इतना इंक काफी है। अब इसे इस तरह घुमाएंगे ताकि ये फैल जाए। देखो ये हिल रहा है, और ये गई सारे इंक, कितनी कूल स्ट्रिप्स और स्ट्राइप्स बना रही है। दूसरी प्लेट पर थोड़ा ग्रे और सिल्वर है, इसे भी थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं और इससे ये खाली जगह भर जाएगी। हो गया। अरे वाह, ये प्लेट एक जबरदस्त आर्ट जैसी लग रही है। मैं जीनियस हूँ, मुझे भी आर्टिस्ट बन जाना चाहिए था। खैर इस प्लेट को स्टैंड पर लगा देते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैंने बहुत अच्छा काम किया। ओ नहीं दोबारा नहीं, पकड़ लिया। फिर बाल बाल बचे, भगवान का शुक्र है मैंने ये पकड़ लिया। उफ, नहीं तो एक और तूफान आ जाता। तुम यही रहो प्लेट। नेल के हिसाब से लगता है यही वो जगह है। बढ़िया, और शायद मैं टाइम पर आ गई हूँ, मुझे लेट आना पसंद नहीं है। इस लड़की को क्या हो गया है? उसके प्रॉप्स तो देखो। हाँ इतना बड़ा लकड़ी का स्टैंड क्यों लेकर आई है? मुझे क्या पेंटिंग? खैर उसे पसंद है तो ठीक है, हर किसी का आजकल अपना ही तरीका है। ठीक है ये रहा ब्रश। हाँ यहाँ ये ड्रेसेस क्यों है? ये मेरी आर्ट क्लास क्यों नहीं लग रही? हाँ तो फिर जरा एक सेकंड रुको। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो वो तुम्हें छोड़ते नहीं। हे भगवान मुझे यहाँ से निकलना होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ एक्सक्यूज यू, तुम कहाँ जा रही हो? खैर मुझे तो बस बाहर जाना है। नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती, कपड़े बदलो जाओ, और मुझे ऐसे कपड़ों में दोबारा नजर मत आना। चलो पता नहीं मैंने ये मॉडलिंग एजेंसी क्यों खोल ली है। हाँ मैं यही तो कह रही थी। जरा एक सेकंड रुको मुझे कुछ देखने दो। खैर जैसा आपने कहा मैंने ड्रेस पहन ली है। हाँ परफेक्ट है, मैं जानती थी ऐसी ही आएगी। पर अपने चेहरे का कुछ करो अभी। तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ रहा है। लो ये पैलेट लो और कुछ करो। ओह मेकअप, खैर थोड़ा सा कर लेती हूँ। कलर थ्योरी समझ आने लगी है, पहले येलो से शुरू करेंगे। कुछ इस तरह का ट्राई करें। ओह नहीं ये मैंने क्या कर दिया? नहीं 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 बहुत ही बुरा लग रहा है, मुझे ये ठीक करना होगा। मुझे अपना पेंटर्स केस चाहिए, ये काम आएगा। लो मेरा फेवरेट ब्रश भी यही है, कुछ अलग ट्राई करते हैं। हाँ मेरे फेवरेट ब्रश से स्टार्ट करेंगे। ब्रिसल्स पर थोड़ी पेंट की स्ट्राइप्स लगाएंगे, पिंक और येलो करेंगे तो अब ग्रीन कैसा रहेगा। अब आखिर में ब्लू और पर्पल से खत्म करेंगे। बढ़िया है ना, इसे मैं पूरे चेहरे पर पेंट करूंगी, यहाँ से शुरू करते हुए और फिर नोज से ले जाते हुए चेहरे के दूसरे साइड तक पहुँच जाएंगे। हो गया, ये मेकअप देखा? हाँ बस एक सेकंड रुको। हे अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे वाह
मुझे तुम्हारी लुक बहुत पसंद आए, बहुत अच्छा किया। चलो अब चलें, तुम लेट हो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हे भगवान, क्या ये सच में रनवे है? मैं यहाँ कैसे आ गई? तो क्या मुझे यहाँ से चलना होगा? ओह हाँ, वो मेरे पर चल रहे हैं, उन्हें मेरी लुक पसंद आई होगी। ओह, मुझे तो मैं खुद को इस फोटो में बहुत अच्छी लग रही हूँ। क्या वो चली गयी आखिरकार? वो खुद को इतना ज्यादा पसंद कैसे कर सकती है? पता है, मैं इस पिक्चर को और अच्छा बना सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं ही ले जा रही हूँ। और अब ये इसका कुछ नहीं कर सकती और इसे दिखने में थोड़ा और असली बना देते हैं। कितनी सारी चाबियाँ हैं, मेरी ऑफिस वाली कहाँ है? हे भगवान, शायद वो आ गई, कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। इसे छिपा देती हूँ और खुद भी छिप जाती हूँ ताकि पकड़ी न जाऊँ। वो आ गई। देख कितना लंबा दिन था और अभी भी ये पूरा नहीं हुआ। हाँ, मेरे डेस्क पर ये क्या गड़बड़ है? ये तो मैं नहीं हूँ। रुको, ये इस पर पेंस किसने चलाए हैं? ये जिसने भी किया है अब वो गया। आओ, मेरा कान। हे, दर्द हो रहा है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ वहाँ जाकर बैठो। ठीक है, बैठ रही हूँ। तो आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? ये क्या है? तुमने मेरे पोर्ट्रेट का क्या किया? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैं जानती हूँ ये तुमने किया। हे, ये क्या कर रही हो? ये मुझे दो। हे, ये मेरा फोन है और अब ये मेरा है। सिर्फ यही नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूँगी। ये क्या ही बकवास है। हाँ, आपकी बेटी ने मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को खराब किया है। हाँ, शुक्रिया। हेलो, मैं अपनी बेटी के बारे में बात करने आई हूँ, आपने फोन पर बताया था। हेलो, हाँ आइए, दरवाजा बंद कर दीजिए। अरे यार, इन्होंने सच में मॉम को कॉल कर दिया था और यहाँ भी बुला लिया। तो इसने इस बार क्या किया? खैर देखिए, इसने मेरी इस फोटो का क्या हाल कर दिया है। ये फोटो मेरे लिए इतनी जरूरी थी और इसने खराब कर दी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। ओह, पर क्या आप मुझे वो पिक्चर दे सकती हैं? ग्लास फ्रेम? हाँ बिल्कुल, ये लो। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही रहें। हाँ ये परफेक्ट है। मैं पेंट से यहाँ थोड़ी लाइंस बना रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। घबराओ मत, बस होने ही वाला है, फिर समझ आ जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब बस कलर करना है, बहुत मजेदार बनेगा। थोड़ा सा पेंट और ये हो गया, पूरा हुआ। हे भगवान, ये तो मेरा ही पोर्ट्रेट है, मुझे बहुत पसंद आया, बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। क्या सच में? तुम्हारा बहुत हुआ मिस, अब चली जाओ। ठीक है, जो उन्होंने कहा वो करो, चलो निकलो यहाँ से। ओह हाँ, याइक्स, शायद मॉम बहुत गुस्सा है, मुझे ये पोर्ट्रेट बहुत पसंद आया। ओह, वो सही कह रही थी। हे, हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए फूल लाई। ओह हे, ये तो मेरी दोस्त है। ओह नहीं, मैं तो भूल गई आज उसका बर्थडे है, मैं कितनी बुरी दोस्त हूँ। अब मैं क्या करूँ? हर कोई उसके लिए तोहफे ला रहा है पर मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ करना होगा जल्दी। रुको, शायद मेरे बैग में कुछ हो जो काम आए। हाँ ये रहे क्रैकर्स, उसे ये पसंद है, ये गिफ्ट में देने के काम आएंगे। हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट क्रैकर्स लाई। क्रैकर्स? क्या, मैं समझी नहीं। ओह नहीं, उसे मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। ओह अरे नहीं, मैं उसे क्रैकर्स नहीं दे सकती, ये नहीं चलेंगे। ओह पानी की बोतल, मैं उसे ये दे सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे, तुम्हें प्यास लगती रहती है ना? ये क्या है, पानी की बोतल? बहुत हुआ, ये लो। मैं गीली नहीं होना चाहती, बहुत हुआ। हाँ मेरे बैग में कुछ तो होना चाहिए। चलो भी, क्या इसमें कुछ नहीं बचा? हे, एक सेकंड रुको, ये रहा बैग और ये रहे पेंट्स। हाँ ठीक है, इस तरह बैग को रखकर हम पेंट लेंगे, एक ब्रश और खाली प्लास्टिक बैग, इसे फुलाएंगे और टिप को इस तरह पेंट कर देंगे और फैब्रिक के ऊपर इस तरह इसे दबाएंगे, इसे डार्क करते जाएंगे ताकि और अच्छा दिखे। बहुत अच्छा बन रहा है, इस कोने में एक और लगाते हैं, परफेक्ट। अब इसमें थोड़ी फ्री हैंड पेंटिंग करेंगे, ग्रीन लीव्स, जरूरी नहीं कि परफेक्ट हो, ये ऐसे ही अच्छा दिखेगा। और ये फ्लावर्स के साथ में भी बनाएंगे। हो गया। हे भगवान, मैंने कस्टम बैग बनाया, कितना प्यारा है। ये फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं, उसे वो पसंद आएंगे। हाँ तो चलो। हे, हैप्पी बर्थडे, मैंने तुम्हारे लिए बैग बनाया। हे भगवान, तुमने खुद बनाया सिर्फ मेरे लिए? वाह, मुझे पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। ये क्या है? ये हाँ,
मॉर्निंग। इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो ये कैसा रहेगा? अच्छा, मैं भी ये कर सकती हूँ। दिलचस्प है, पर क्या तुम अपने बाल ऐसे कर सकती हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये काफी अलग है और इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे से टिक जाते हैं। देखो। ओह, मैं भी ये कर सकती हूँ। ये वाला। अब मैं इसे लगाऊं कैसे? ओह, अजीब है। याइक्स। ये लगाते हैं। ओह, मुझे कुछ स्टिकी चाहिए। ये चलेगा। चलो इन क्लिप्स को किसी चीज में बदलें। कुछ और टूल्स भी चाहिए होंगे। ये क्लिप देखो, ब्लू पेन से एक मजेदार डिजाइन बनाते हैं। मैं अपना फेवरेट कलर चुनूंगी, ब्लू। एक लंबी से इस तरह की लाइन बनाएंगे। बनाते जाएं। और लंबी। बस हो ही गया। देखो कितना बड़ा स्पाइरल बन रहा है। ये हार्ड हो जाएगा और शेप में भी रहेगा। ऐसा लग रहा है मैंने खुद का स्प्रिंग बनाया है। कितना बाउंसी है। वो अब क्लिप्स को बालों में लगाएंगे। कितने मजेदार रंग है ना। बढ़िया। सबसे जरूरी हिस्सा तो भूल ही गई, तुम्हारे जैसे कमाल के कर्ल्स। ओह, देखो वो कैसे मटक कर चलती है। घर पर रहना सबसे अच्छा डिसीजन था। क्या देख रही हो? मैं ले लूं? अभी नहीं। ओह, माफ करना। येलो। येलो वाला मेरा फेवरेट है। कितना च्यूई है। मिया? क्या? एक और दे दो। हाँ ठीक है, पर ये आखिरी होगा। कूल। हे मिया, अब क्या है? मुझे और चाहिए। तुम वो गमीज हड़प कर बैठी हो, पर मैं ये खुद देख लूंगी। हाँ, मैं आ रही हूँ। वो गमीज मुझे दो। छोड़ दो। और देखा जाए तो मैं जीनियस हूँ। तुमने ये अपने हाथों में कैसे फंसा लिए? रुको, ये चिपके कैसे हुए हैं? मैं समझ गई, अभी आती हूँ। टेस्टी है। बस कुछ सप्लाई चाहिए होंगे। देखता ही कैसे होगा। सिलिकॉन स्लीव में गमी बेयर लगाएं, अच्छे से फंसा दें और पूरे ब्रेसलेट पर लगाते जाएं। मैं रेनबो के कलर्स चुन रही हूँ। बेयर्स के ऊपर अब रेजिन डालें, एकदम आराम से इस पूरे पर डाल दें और जब ये हो जाए तो हम इंतजार करेंगे पूरी रात। अगला दिन हो गया, मतलब ये ब्रेसलेट तैयार है। इसे सिलिकॉन मोल्ड से निकाल लेंगे और अब ये हार्ड हो गया है। देखो, और अब ये मेरी रिस्ट में फिट आ गया। आ जाओ। तुम्हें पसंद आया? वो तुम्हें ये कहाँ से मिला? इसमें गमी बेयर्स है। बहुत हुए तुम्हारे सवाल। अरे यार, पता है, छोड़ो, ये तुम्ही रख लो। सच में? हाँ हाँ, श्योर हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। बिल्कुल। हे, इन शेल्स को तो देखो, मुझे बड़ा वाला चाहिए। तुम मेरे साथ घर जाओगे? ये तो और कमाल का है। ओह, वाह, तुम बहुत खूबसूरत हो और शेल्स पर भी तुम्हारा एक जैसा ही टेस्ट है। अरे वाह, इस शेल में सुपर पावर्स होंगी क्योंकि इसने मुझे मेरे सोलमेट से मिलवाया। ये मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। अब हमारे पास ये क्या है? खूबसूरत है। हे ओलिविया, ये तो ये शेल्स कितने गंदे हैं। जरा हटो। मिया, अरे नहीं, मेरा प्यारा शेल। ये गलती से हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी लव लाइफ खत्म हो गई। कोई बात नहीं। नहीं, सब खत्म ही है। वह क्या है? समझ गई। मैं इससे शेल जोड़ सकती हूँ, बस मुझे देखो और सीखो। सारे शेल पीसेस यहाँ पर रखेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। दो प्लास्टिक कप्स लेंगे और इनमें थोड़ा थोड़ा रेजिन डालेंगे। जब ये हो जाए तो दूसरे में भी डालें। परफेक्ट। और अब सबसे मजेदार हिस्सा, कलर डालेंगे। बस थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स डालिए, इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। अच्छे से मिलाएंगे। इन बलून्स की बारी है। हाँ, ये फूले नहीं हुए। देखा है कितने स्ट्रेची हैं। हम इसी का फायदा उठाएंगे।
शेल्फ से कुछ नया बनाया जाए। इन्हें एक एक करके बलून में डालेंगे। थोड़ा समय लगेगा पर बढ़िया चीज बनेगी। टूथपिक्स को साथ में इकट्ठा करेंगे और एक से बलून के कोने में छेद करेंगे। थोड़ा दम लगाएं। जब हम इसमें दो डाल दें तो इन्हें बीकर्स के ऊपर रख दें। अब इसमें कलर्ड रेजिन डालेंगे। बिल्कुल आराम से डालें ताकि सीधा होल में जाए। और जब ये ऊपर तक भर जाए तो हम इंतजार करेंगे। देखना चाहते हैं क्या बना? आपको बहुत पसंद आएगा। शेल इयररिंग्स, जबरदस्त है ना? ओ ओलिविया, हाँ, ये क्या है? तुम्हारे नए शेल इयररिंग्स? ये तो लाजवाब है और ये से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना? तुम सबसे अच्छी हो मिया। अच्छे फिल्टर्स ढूंढना मुश्किल होता है। स्माइल करो। वाह, ये जगह कितनी कूल है। हे लेडीज, तुम अपनी हैट लाई हो? हाँ लाई तो हूँ। क्यूट है ना? हाँ, हम इसे ग्राम पर डालेंगे। मुझे टैग कर देना। मुझे नहीं पता था इस पिकनिक पर हैट लानी है। अब मैं क्या करूँ? लगता है मेरा लक चल गया है। हाँ, ये क्या? वो ठीक तो है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रो मत ओलिविया, लो ये ले लो। शुक्रिया। जो भी हो, यहाँ एक और ऑप्शन है। जरा देखो, वाटरमेलन को इस तरह रखेंगे, फिर अपना ग्लू पेन लेंगे और बिल्कुल ऊपर से शुरू करेंगे। पहले एक सॉलिड डॉट बनाएंगे और इस तरह लाइंस बनाएंगे। जब ये कुछ ऐसा दिखे तो इसके बीच का गैप फिल कर दें। एक टाइम पर एक सेक्शन करें और बिल्कुल भी जगह ना छोड़ें। अब एक और लाइन बनाएं और एक और, इन्हें साथ में जोड़ दें और जैसे ऊपर कलर किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। लगता है सारा हो ही गया और ये लाइंस सजावट के लिए होंगी। अब रेड के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स बनाएं। अब समझ आए कि क्या है? मैं हिंट देती हूँ, ये वाटरमेलन से इंस्पायर्ड है। ये सीड्स हैं, देखो। चलो इसे ट्राई करें। तुम्हें हैट चाहिए थी ना? खैर, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अनोखी बनाई है। तुम्हें पसंद आए? वाह, मैं इसकी फोटो लेती हूँ। वो बहुत खुश है। ये लो, हम तुम्हारी पिक्चर पोस्ट करेंगे। ये कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर। वाह, कितनी जबरदस्त पार्टी है। Hey, इन लाइट्स को तो देखो। Hey, इतनी जल्दी नहीं, शांत रहो मेरी तरह। हे भगवान, वो केविन है। Hi. यहाँ पर कौन से स्नैक्स हैं? ओलिविया, वो कहाँ चली गई? ओलिविया, ओलिविया! हाँ, ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं स्नैक टेबल पर थी। भगवान का शुक्र है, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। मैं चाहती हूँ तुम उन सितारों की तरह चमको। एक बड़ी सी पॉपसिकल स्टिक लें और सबसे सुंदर वाला ग्लिटर, जितना नियॉन हो उतना बेहतर रहेगा। अब रेजिन डालते हैं, इतना काफी है। इसे छोटे से प्लास्टिक कप में डालेंगे, ज्यादा नहीं। अब इसके ऊपर ग्लिटर डालेंगे, वुडन स्टिक से अच्छे से मिला दें। देखो ये कितना गूई है, इसका मतलब अब इसे रख देंगे। पर तब तक इस तरह का एक प्लास्टिक कंटेनर ढूंढ लें और इसके अंदर ध्यान से मिक्सचर डाल दें। जितना आप आराम से डालेंगे उतना गंद कम मचेगा। अब हम इंतजार करेंगे कि मोल्ड से बाहर आने के लिए तैयार है, जैसे हार्ड प्लास्टिक होता है। इसे चेन में डालें और ये तैयार है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, अब खुद की क्या तारीफ करूं। अब ओलिविया के पास चलते हैं। ये लो, वो ये सच में चमक रहा है। अब मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ पाऊंगी। फिर मिलते हैं। ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है। ओह हे, वुहू, रुको, मुझे वो अभी भी दिख रही है। रुको, नहीं, वो चली गई। ओह नहीं, रुको, शायद मुझे कुछ दिखा, वो चमक रहा है। दिख गई, ओलिविया। रुको, ये मॉब कहाँ से आया? यार छोड़ो, शुक्र है तुम मुझे मिल गए। तुम दोबारा खो जाती। ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। ओह शुक्रिया। ओह अब बेहतर है। अगर तुम ओलिविया हो तो
तो तुम कौन हो? मुझे माफ कर देना। बेवकूफ औरत। हाँ बहुत हुआ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। ये सही है ना? बोरिंग क्लासवर्क से ऐसे ही बचा जाता है। गैबी तुम ये क्या कर रही हो? ये मुझे दो, ये बस एक बुक है। मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, पर क्लास पर ध्यान दो। हाँ? हाँ, क्या नींद आई, मैं तो भूल ही गई थी मुझे एक नोट लिखना है। मैं टेस्ट नहीं भूल सकते, इसे मैं अपने लॉकर में रख देती हूँ, ये हमेशा नजर के सामने रहेगा। ओह, मुझे मेरा होमवर्क करना है। ठीक है, हो जाएगा। और उसने वो मेरी जैसी सेम ड्रेस पहनी थी। अरे नहीं, शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल, मैं बेहतर ही लग रही थी, पर फिर भी। जरा रुको, मुझे कुछ लिखना है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। बहुत सारी चीजें करनी है। तुम ये क्या कर रही हो? वाह, इतने सारे नोट्स। ओह, मुझे अभी याद आया, मुझे पेंस लेने हैं। मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है मेटी। इससे याद आया कि मुझे मॉम को कॉल करना है। लगता है सब काम हो गया। सच में मैं नोटिस बोर्ड नहीं हूँ, लेकिन इस पिक्चर से मुझे एक आइडिया आया। मैं अभी आती हूँ। इस टिप के साथ अपना दिन और ऑर्गेनाइज करें। पिक्चर फ्रेम को उल्टा करें, इसकी पैकिंग और फोटोग्राफ निकाल दें। कैलेंडर को फ्रेम में रखें, फ्रेम को उल्टा करें, और ये रहे तुम्हारे अगले महीने के टास्क। हे मिंडी, देखो मेरे पास क्या है। ओह, ये क्या है? तुम्हें जो भी करना है इस ग्लास पर लिखना है। देखा, इस दिन पर तुम्हारा मैथ टेस्ट है। वाह, ये तो कमाल है। थैंक्स गैबी। ओह रुको, ये बेहतर है। ये कैसा मजाक है, मैं हार मानती हूँ। तो ये स्क्विगली लाइन है, लगता है मैं समझ गई। मेरी पेंसिल टूट गई। कोई बात नहीं, यहाँ मेरे पास शार्पनर है। था तो यही। कैसी हो? उसे तो मैंने लॉकर में छोड़ दिया। खैर, वो यही कहीं था। मिल गया। ओप्स। ओ, चलो भी। ने, ने। बहुत गुस्सा आ रहा है। हे गैबी, मैं तुम्हारा शार्पनर ले सकती हूँ प्लीज? ये ठीक है। थैंक्स। बेल बज गई। हाँ, क्लास खत्म हुई। मैं जल्दी से घर जाना चाहती हूँ। ये काफी अलग है। कल मिलते हैं। बाय बाय। नहीं, कैसी हो? जरा रुको, मेरी रिंग से मुझे एक आइडिया आया। ये काम करेगी। रिंग से जेम को निकालें। अब रिंग पर ग्लू लगाएं। ग्लू के ऊपर पेंसिल शार्पनर लगाएं। अब ग्लू को सेट होने दें। अब आपका शार्पनर कहीं नहीं घूमेगा। समझदारी की बात है और अच्छा भी दिखता है। और जब चाहिए ये मेरे पास ही होगा। ये मेरी रिंग की जगह पर है। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, कितने अच्छे से काम करता है। बहुत अच्छी। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। मुझे सोना है। ये बहुत बोरिंग है, मैं जरा आंखों को आराम दे दूं। मुझे थोड़ी मस्ती करनी है। मैं जानती हूँ क्या कर सकते हैं। हे मिंडी, क्या हुआ? जरा ये देखो, उंगली पर एक चेहरा बनाएंगे। अब इस पर एक बलून लगा देंगे। हेलो मिंडी, तुमने ऐसे क्यों किया? तुम बुरी लग रही हो, मुझ पर मत हंसो। पर अभी पूरा नहीं हुआ। इस उंगली पर एक और चेहरा बनाएंगे। ये रही आंखें, इस पर हाथ बनाएंगे। बहुत अच्छा दिखेगा। इस पर एक मास्क बनाएंगे। ये कितना डरावना लग रहा है। अब इसकी आंखें। मेरे पास मत आना कॉपर। बचाओ। इक्वेशंस क्या? मैं कहाँ हूँ? पता नहीं इसका क्या होगा। क्या हो रहा है? ओ, मैं समझ गया। बचाओ! ये सब क्लास में नहीं चलेगा। मेरी क्लास में कोई बकवास नहीं। ठीक है, रिलैक्स। अरे वो तो बहुत गुस्सा है। ठीक है, आज एग्जाम है क्लास। गुड लक। ये लो मिंडी, जो भी हो
ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे पढ़ना चाहिए था। शायद ए सही है, उम्मीद तो है, नहीं लगता है गलत है। मुझे गेस करना चाहिए, क्या पता मैं लकी हूँ। क्या अभी क्या लिख रही है? दिख नहीं रहा, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। ओ, लगता है मैं समझ गई। इसे इरेज कर देती हूँ। मेरे इरेजर को क्या हो गया? ये तो बहुत आसान है। याबी के पास इरेजर नहीं है। हे, चीटिंग मत करो। आर्ट क्लास में मजा आता है, कम से कम मेरा सबसे बुरा ग्रेड नहीं होगा। ये मजेदार है और कितना सुंदर है। एक मिनट रुको, मुझे इसे लेना होगा। चलो इसका कुछ करें। इरेजर नहीं है, कोई बात नहीं, पेंसिल पर ग्लू लगाएं, पेंसिल को घुमाएं, ये आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर तक ग्लू लगा दें। इस ग्लू के साथ लेयर्स बनाते जाएं। इसे हमें कुछ इतना बनाना है। अब इस पर थोड़ी स्पार्कल डालेंगे। जब तक ये सेट नहीं होती, इसे ग्लू के ऊपर डालें। ये बिल्कुल आइसक्रीम जैसी लग रही है। अब गलत आंसर्स इरेज कर देते हैं। ये काम कर रहा है, शुक्र है मैंने ये सोचा। और अब सही आंसर्स लिखेंगे ग्याबी से देखकर। थैंक्स। हे टीच, मेरा हो गया। आपको खुशी होगी, वो तो मैं देखूंगी। दिलचस्प है, बहुत अच्छी, ए प्लस। मैं जेक को अपनी फीलिंग्स बता दूं? हाँ बिल्कुल करूंगी, बस इसे ये पसंद आए। मैं बहुत नर्वस हूँ। एनवेलप को सील कर देते हैं। हाँ, ये बंद नहीं हो रहा, क्या फर्क पड़ता है। कितना दिलचस्प क्वेश्चन है। जेक, ये मुझे दो। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये वापस दो। तो यहाँ क्या है? अरे नहीं, प्लीज कुछ भी मत बोलो, तुम दोनों नट्स। ये बहुत फनी है, तुम ये क्यों कर रही हो? अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर एक्स फोर है तो आहा, मैं समझ गया। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे बैग से कुछ सामान चाहिए। नहीं ये नहीं, मेरी ग्लू गन, ये परफेक्ट है। अब हम एनवेलप को सील करेंगे। इन आसान स्टेप से अपने लव लेटर को सीक्रेट रखें। एनवेलप फ्लैप के बिल्कुल बीच में रेड ग्लू लगाएं। ग्लू से एक सर्कल बना लेना है। अब सेल बनाने के लिए एक कॉइन को ऐसे ग्लू पर दबाएं, ग्लू को सेट होने दें और अब कॉइन हटा लें। अब आपके सीक्रेट सेफ रहेंगे। एनवेलप सील हो गया, अब मैं ये जेक को दे सकती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? ये जेक को दे दो। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? जेक, ये क्या है? मिंडी की तरफ से। ओह, तुम्हें ये पसंद आएगा? बहुत पसंद है, ये मजेदार है। कलर्स कितने सुंदर हैं। मुझे पेंटिंग पसंद है, इसमें ब्लू भी करेंगे। हो गया, बाकी क्या रख देती हूँ, मैं मम्मी को दिखाऊंगी। मम्मी मम्मी, ये देखो, मैंने आपके लिए पेंटिंग बनाई। ये तो कमाल की है, पेजेस साथ में चिपक गए। मेरी पेंटिंग खराब हो गई। मैं पेजेस अलग नहीं कर पा रही। मैंने पेंटिंग्स बहुत मेहनत से बनाई थी। कोई बात नहीं हनी, देखो तुम ये लॉलीपॉप ले सकती हो। यम्मी, बहुत अच्छे। परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं लॉन्ड्री खत्म कर लेती हूँ। रुको, मैं जानती हूँ इसे कैसे ठीक करना है। ये जरूर काम करेगा, मुझे बस ये क्लोथ ड्रायर चाहिए। लो, ये अच्छा है, हम इन्हें टांग दे, पेंट के सूखने का इंतजार करेंगे। तुम बहुत टैलेंटेड हो हनी, मुझे ये प्रिंट करने का इंतजार नहीं हो रहा। मेरा मास्टरपीस पूरा होने वाला है। अब ये वाला तो ये म्यूजियम में टांगेंगे। जरा रुको, ये तो मेरी वाली से भी बेहतर है। अगर मैं अलग तरीके से सोचता तो शायद ये बेहतर दिखती। अरे नहीं, ये बहुत बेकार है। मैं अभी आता हूँ, मैं इस कचरे को फेंक कर आ रहा हूँ। काश मैं ऐसा कुछ बना पाता। एक सेकंड रुको, शायद मैं बना सकता हूँ।
मुझे बस ये प्लास्टिक रैप चाहिए। इसे ड्राइंग पर लगाएंगे, अब इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, बस आउटलाइन को ट्रेस कर लेंगे। बहुत आसान है, मैं एक जीनियस हूँ। पक्का बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसा ही करते होंगे। ये कॉपी करना नहीं है, ये इंस्पिरेशन लेना है। अब प्लास्टिक रैप को निकाल देंगे और इसे खाली शीट पर रखेंगे। इंक को ट्रांसफर करने के लिए रोलिंग पिन इस्तेमाल करेंगे। टडा, बढ़िया लग रहा है। देखो मैंने क्या किया जस्टिन। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। कमाल है, हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। हम कितने टैलेंटेड हैं। दो ताली दोस्त। ओह यस, तभी तो हम बेस्ट चीज हैं। होमवर्क मुश्किल है। जरा रुको, ये क्या था? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है। ओ नहीं, फॉर्मूलास सब मिक्स हो गया है, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम फेल हो गए हो जस्टिन, पर मुझे खुशी मिली। ये आवाज कैसी है? बहुत जोर से लगी। क्या ये कमरा घूम रहा है? नहीं, ये मेरी ही परेशानी है। क्या हो गया? फिजिक्स इतनी मुश्किल क्यों है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊंगा। ओ, मेरा सर। बस एक सेकंड दो, मुझे इस पर बैंडेड लगानी होगी। ओ, बहुत जोर से लगा, और ध्यान रखना होगा। अब ठीक है। क्यों? ये ज्यादा जरूरी है डैड, मुझे एफ नहीं मिल सकता। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर सब भूल रहा हूँ। रुको, समझ गया, ये हुई ना बात जस्टिन। हाँ, द बैंडेड्स की बात कर रहा हूँ, ये मुझे दो, इससे सब ठीक हो जाएगा। गुड बाय एफ। बैंडेड की बैकिंग हटाएंगे और सारे फॉर्मूलाज इस पेपर पर आ गए। इसे बैंडेड के बीच में लगाएंगे और सारे आंसर्स यही हैं। ये एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ओ, मुझे बहुत दर्द हो रही है। ओ, तुम्हें क्या हो गया? अभी बहुत ताजा है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम फिर भी एग्जाम दोगे? ओ हाँ हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। गुड लक, तुम्हें दुआओं की जरूरत है। ऐसा आपको लगता है, इस बैंडेड को निकाल देते हैं और मुझे जो चाहिए सब यहाँ है। चलो मान लो मैं बहुत तेज हूँ ना। मुझे लगा ये आर्ट क्लास है। मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की? मैं पास नहीं होने वाला। एक सेकंड, टीचर का ध्यान कहीं और है, यही मौका है। एकदम आराम से, मेरे फोन के बिना मैं क्या करता? मुझे यही तो चाहिए। आपको आंसर मिल गया होगा, और अगर आप ये कर लें, वहाँ पीछे क्या हो रहा है? क्या ये फोन है? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी बात है, आप कब से यहाँ हो? बहुत समय से। चलो मुझे फोन दो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी एलेक्स। अब एग्जाम पूरा करो। विश्वास नहीं होता। हाँ हाँ, जो भी हो, चाहे वो मेरा फोन ले गए हैं, पर वो मेरे स्नैक्स तो नहीं लेकर गए ना। इन चिप्स में एक खास चीज है, आंसर्स। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं बाद में चिप्स खा सकता हूँ। ये कैसा मजाक है? लगता है मुझे कोई देख रहा है। कुछ नहीं है, चिप्स मेरे लिए, क्या जरूरत थी? दोबारा नहीं। अब एक ही चारा है, तुम्हें यही मिलना चाहिए। ओह, मजा आ गया। अब निकलो यहाँ से, आप बहुत बुरे हो। ओह, तो अब रोने वाले हो? कितनी गलत बात है। क्या हो गया बेटा? मुझे एफ मिला डैड, मैंने पूरी कोशिश की। कोई बात नहीं, उदास मत हो। एक मिनट, लगता है मैं जानता हूँ क्या करना है। पहले मैं अपने मैग्नीफाइंग ग्लास में से हैंडल निकाल लेता हूँ। अब एक कार्ड की ट्यूब चाहिए, इसे लेंस के ऊपर लगाएंगे और ग्लू से टिका देंगे। बस कोने कोनों में ग्लू गन चला देंगे। अब हमें रेड टेप चाहिए, इसे लेंस के आसपास लपेटेंगे, ये अच्छा दिखना चाहिए। तो चलो एलेक्स, इससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये क्या है? इसे अपनी आंखों पर लगाओ, मैं अभी आता हूँ। जरा रुको, ये देखो। क्यों? ओ, मैं समझ गया, मैं आंसर्स देख सकता हूँ। लाजवाब। हाँ, चलो अब एग्जाम दे। मैंने बहुत मुश्किल बनाया है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। सब ऐसा ही कहते हैं। शुरू करो। मैं जानता हूँ तुम फेल हो जाओगे, और मैं जानता था कि ऐसा ही आएगा। चलो डैड, आप कहाँ हो? नहीं, ये तो पेड़ है। मैं जानता था ये भेस बदलना काम आएगा। एलेक्स, यहाँ देखो।
परफेक्ट, आप मुझे निराश नहीं कर सकते। थैंक्स डैड। हाँ, तुमने कुछ कहा? ये क्या कर रहा है? लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मुझे पता लगाना होगा। अभी तक तो सब ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हो? लो देख लो। हाँ, दो इधर। ये बिल्डर थोड़ा अजीब लग रहा है। नेचुरल रहो। लगता है सब ठीक है। मैंने तुम्हें गलत समझा एलेक्स, फिर बच गए। वाह, ये कितना बोलते हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है और ये टेस्ट में आएगा। मुझे बस ब्ला 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 सुनाई दे रहा है। मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए। स्नैक्स खाएं। इतना सुन सुन कर मुझे भूख लग गई। मीठी मीठी कैंडी। रुको, क्या मुझे कैंडी रैपर की आवाज आई? बहुत मजा आएगा। तुम ये क्या कर रहे हो? ये नहीं चलेगा। तुम्हें रूल्स पता है ना, क्लास में स्नैक्स नहीं चलते। ये मुझे दो और बाकी के भी। क्या कर सकते हो, देखते हैं ये असली कैंडी है या नहीं। ओ हाँ, ये पक्का कैंडी है। तो मैं कहा था, ठीक है स्नैक्स अलाउड नहीं है ना, पर उन्होंने सोडा के लिए तो मना नहीं किया। ये चल जाएगा, पर इस बार मैं ध्यान रखूंगा, इसे छिपा कर पीऊंगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। रुको, वो कहाँ चले गए? मतलब कैसे हो? ये मुझे दे दो। ये यहाँ कैसे आ गया? ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है एलेक्स। उधर देख रहे हैं, जल्दी करना होगा। ओ बिल्कुल नहीं। क्या? मान लो मैं इसमें बहुत तेज हूँ और मैं ये ले जा रहा हूँ। मैं इतना पास था, बस टेस्ट ही करने वाला था। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हे भगवान, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, अब मैं रुक जाता हूँ। जरा रुको, मेरी ग्लू स्टिक। इससे मुझे एक आइडिया आया, मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले मुझे ग्लू निकालनी होगी। अब ट्यूब के अंदर से साफ कर देते हैं। अब मुझे अपनी फेवरेट कैंडी चाहिए, इसे प्रेस कर देंगे। मुझे एक सुपर कैंडी बॉल चाहिए, इसमें ट्यूब प्रेस करेंगे, इससे बॉल का सेक्शन निकल आएगा। अब हम बाकी की कैंडी भी निकाल सकते हैं, इसे बाद के लिए रख लेते हैं। अब मेरे पास कैंडी स्टिक है, जब ट्यूब को घुमाएंगे तो कैंडी बाहर आएगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, और सबसे अच्छी चीज, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। स्वादिष्ट। एक सेकंड रुको, ये खुशबू कैसी है? दोबारा नहीं, क्या ये कैंडी की खुशबू है? क्या नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे पास से देखना होगा। हे देख लो, यहाँ कुछ नहीं है, ये तो मेरी आम सी पुरानी ग्लू स्टिक है। तो ऐसी बात है, शायद वो सच बोल रहा हो, कैंडी तो नहीं दिख रही। ठीक है, तो मेरी ही गलती होगी। हाँ हो सकता है, तो मैं ये ग्लू लगा लूं। बहुत टेस्टी है, शायद ये क्लास इतनी भी बुरी नहीं है। मेरी लुक पूरी हो गई। अरे नहीं, मैं अपनी ग्रैंडमा की तरह लग रही हूँ, मुझे और ऑप्शंस चाहिए। क्लोजेट आप खोलती हूँ, मुझे प्यारा सा ब्लाउज पहनना चाहिए। ये कितना सुंदर फ्लोरल है, और इसके साथ प्यारी सी स्कर्ट मैच होगी। और बालों का क्या करें? चलो ये वाला ले। और ये डॉग से डायनामाइट का सफर था, ये तो भूल ही गई थी। और ये छोटी छोटी डिटेल्स यही काम आती हैं। वाह, इन एंगल्स को देखो, ये ट्रायंगल से भी ज्यादा चेयर्ड है। मैं इसे मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर सकती हूँ। उसका चेहरा तो देखो, क्या बात मुझे देखेगा। ओह, कैसी हो? अच्छी लग रही हो। ओह नहीं, मैं सपना देख रही हूँ। क्या वो मेरे पास आ रहा है? वो आनी से ही बात कर रहा है, ऐसी लड़की पर कौन ध्यान नहीं देगा। मेटालिक स्कर्ट मैं कभी नहीं पहन पाऊंगी, खासकर इनके साथ। हाय मॉम, बुरा दिन था? कम से कम तुम्हारा दिन इन्हें तय लगाने में नहीं बीता। चलो अच्छे बच्चे की तरह इसे रख दो। शुक्रिया स्वीटी,
ये दिन और बुरा होता जा रहा है। एक मिनट रुको, मुझे पता है और अटेंशन कैसे मिलेगी, मैं इन सब बाद में करूंगी। मेरे पास करने के लिए और भी बहुत चीजें हैं। ये बेहतर है, अब इसे बकल करते हैं। और अब जरूरी चीज, और मैं थोड़ी और इस्तेमाल कर सकती हूँ। काफी बेहतर है। अरे टॉप, मैं तो बिल्कुल अलग इंसान लग रही हूँ, अच्छी है ना? चलो देखते हैं अब वो क्या करता है। वो क्या ये क्लोई है? ओ हे, रातों रात ये क्या कमाल हो गया, तुम कह सकते हो। क्यों ना क्लास छोड़कर मूवी देखने चले। वो एक और डांस कंपटीशन। हाँ मुझे नहीं करना चाहिए। ओ, ये क्या है, डांस क्लासेस? मेरी प्रेयर्स ने काम किया, चलो शुरू हो जाए दोस्तों। और एक दो तीन चार, पाओ, ये बढ़िया था, फिर मिलते हैं। हेलो, तुम डांस करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम ये कर सकती हो? मुझे नहीं लगता, मैं सीखना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, बस एक छोटा सा लेसन, चलो शुरू करें। 1 2 1 2 3 गो। आर्म्स ठीक है? ओ, और पैर, क्या ये ठीक है? अब एक बार साथ में और स्पिन। हे भगवान, तुमने कर दिखाया, हम इस पर काम करेंगे। मैं कम्पीट करने जा रही हूँ, मैजिक मूव्स दोस्तों। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे बहुत मुश्किल से ही नजर आ रहा है। हाँ ऑडियंस पे ध्यान मत दो, बस मूव्स याद रखो, फोकस, स्पिन, स्माइल करना मत भूलना। फिर बहुत अच्छा हुआ, वाह उन्हें मैं पसंद आई, उन्हें मैं सच में पसंद आई। फिर इन्हें देखो, ये किस चीज पर इतना हंस रहे हैं? मजा आ रहा होगा, मैं अपना सारा टाइम टेस्ट के लिए पढ़ता हूँ। हाँ इससे मुझे दोस्त मिलेंगे, ये बहुत बढ़िया होगा, इससे वो मुझ पर ध्यान देंगे। यूहो, नेक्स्ट पीरियड के टेस्ट के आंसर्स चाहिए। हाँ बाद में मिलते हैं। तुम्हें आंसर्स चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है शुक्रिया, दो मुझे। मुझे पहले स्मूच चाहिए, किस, ये कैसे हो सकता है? ठीक है ये लो, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे लिप्स कहाँ है? ओ अच्छा, ये लो, ये असली किस नहीं थी, मुझे और ढंग से बताना चाहिए था। ये देखो, पढ़ो इसे। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, मेरी कार की गैस खत्म हो गई थी। वो बहुत सुंदर है, मैं ये जरूर करूंगा। हाय, क्या? कुछ नहीं। ईयू, क्या तुम अपने दांत ब्रश करते हो? कि बहुत शर्मनाक है। क्या हुआ? ये हुआ। ओह, ये बहुत ही बुरा है। ओह। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। वैक्स पेपर है, इस तरह उसका स्क्वायर काटें और फिर उस पर टूथपेस्ट डालें।
और अब बेकिंग सोडा अच्छे से डालें और अपनी उंगली से इसे फैला दें। अब इसे इस तरह अपने दांतों पर लगा दें। नीचे वाला ना भूलें। और अब हम इंतजार करेंगे। अब इसे निकाल देते हैं। हेलो पर्ली व्हाइट, ये सीट फ्री है, यही मेरा मौका है, मैं उसे स्माइल करूंगा। तुम्हारी दांत तो बिल्कुल डायमंड्स की तरह है। लड़कियों का दिल ऐसे ही जीता जाता है। जिंदगी बढ़िया है, पर उसमें कुछ रंग भरना और भी मजेदार हो जाता है, आपको सुकून देने के लिए। कितना कूल है ना? रुको रुको, तुम कह सकते हो कि ये मेरा शानदार नया फोन केस है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया या फिर मैंने इसे क्यों बनाया। मैं इसे बाद में इस्तेमाल करूँगी। मैथ क्लास किस तरफ है? वो कीला फर्श? ओ नहीं, फिर नहीं। अरे यार, मेरा फोन और केस पूरा खराब हो गया। मुझे नहीं लगता ये अब निकलेगा। बुरी किस्मत। वैसे ये काफी कूल है। नेल पॉलिश सिर्फ नेल्स पेंट करने से भी ज्यादा काम कर सकती है। थोड़ी पानी में डालें, ज़िगज़ैग मोशन में। देखा ये इसमें कैसे तैर रहे हैं? अब इसमें सीधा केस रख दें और थोड़ा सा हिलाएं। ये देखो, ये अच्छे से सूख भी गया, हजारों में से। और ये ऐसे बना था दोस्तों। हे, देखो तो, माफ करना, जरा वो पढ़ोगी? ओह, अच्छा ठीक है। ओ, ये कैसे हो सकता है? हे, पकड़ो। मैं इसे नहीं पकड़ पाया, वो जा रहा है। तुम लोग नोट्स पास कर रहे हो? अब ये मेरा है। अब केविन कभी जान नहीं पाएगा मैं उसे प्यार करती हूँ। पर उम्मीद अभी भी बाकी है। ये साधारण नोटबुक देखो, ये एक सीक्रेट मैसेज पासवर्ड बनने वाला है। घबराइए नहीं, इतने कलर्स किसी वजह से ही है। पर पहले हम इस पूरे को कवर कर देंगे। जब टेप अपनी जगह पर आ जाए तो काला पेंट लें, पेंट ब्रश या फिर रोलर इस्तेमाल करें। बस ध्यान रहे कि इसकी परत गाढ़ी हो। बस हो ही गया। जब ये सूख जाए तो एक नुकीली टिप से जो लिखना चाहे वो लिख दें। और यहाँ पर एक प्यार का मैसेज होगा। कितना सुंदर है केविन, शुक्रिया, पर मुझे बुक क्यों चाहिए? हाँ? आगे देखो क्या लिखा है बेवकूफ। वो मुझसे प्यार करती है? खैर, हम दोनों ही करते हैं। मेरा दिल धड़क रहा है। ये अपनी नोटबुक वापस ले लो। Hey! क्या? ये बस मेरी नोटबुक है, देखो। तो फिर ठीक है, फिर बच गए। क्या एक बड़े हॉट डॉग के साथ केचप से बेहतर कुछ हो सकता है? इतना मेरे लिए बहुत है। लाओ दो। शुक्रिया। गह, हाँ बिल्कुल, और ज्यादा। वो बकवास। तो मैं कहाँ थी? ये तैयार है, मेरे पास आओ। ये क्या था? मेरी शर्ट। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये गलती से हुआ है, मैं इसे ठीक करती हूँ।
नहीं नहीं रो मत। पता नहीं। मैं ठीक कर दूंगी। ठीक है तो ट्राई कर लेते हैं। देखा मार्कर पानी में कैसे लीक होता है। अब आई स्प्रे बॉटल की बारी। तैयार हो? अब इस खराब शर्ट का एक मेकओवर होगा। इसे फोक से इस तरह घुमाएं और अपने हाथ से इकट्ठा कर लें। अब रबर बैंड से रैप करें और कलर्ड वाटर स्प्रे करें। इसे मजेदार बनाने के लिए अलग अलग कलर इस्तेमाल करें। हर सेक्शन में अलग अलग स्प्रे। लगता है ये हो गया। देखो ये बन गया एक मास्टरपीस। ये पहले से बहुत बेहतर लग रही है। केचप का निशान भी नहीं दिख रहा। लव यू बेस्टी। ये सारा मेरा ही प्लान था। धूल मेरे आगे टिक नहीं सकती। सफाई कभी खत्म नहीं होती। ये यहाँ कैसे आ गया? ये नहीं चल सकता। तुम्हारा समय वहाँ खत्म होता है। ये गम का काफी बड़ा टुकड़ा है और स्टिकी भी। पता नहीं ये किसके हैं। केविन के बालों में ब्लॉन्ड है। पता नहीं। और उसका क्या? नहीं उसके बाल काफी डार्क है। समझ में नहीं आ रहा। और वो लड़की? हो सकता है ये इसी के हो। मैं पास में जाकर देखती हूँ। ये इसे मैच कर रहे हैं। अब मैं इसका क्या करूं? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अरे यार ये प्लेडो देखें। ये गम जैसी लग रही है ना? इस पर थोड़ी ग्लू लगाएं और एक छोटा मैग्नेट चिपका दे। मैंने ऐसा बंच बनाया। इससे उसे सबक मिलेगा। आह, वहां जाकर देखती हूँ। आह, क्या दिन है। एओ, क्या ये चबाए हुए गम के पीसेस हैं? ऐसा कौन ही करेगा। ये प्लेडो है। ये कैबी ने किया है। ओ, हे, क्या चल रहा है? ये तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हें अपने किए का सबक मिला? ये वही गम है। ये मेरी है? वुप्स, माफ कर देना। दोस्ती कर ले। ठीक है, सब माफ किया। चलो अब इसे शेयर करें। मैंने शेयर करने को कहा। लगता है मौका मिल गया। केविन मेरे सपनों का राजकुमार है। हाँ, यही मौका है। हे केविन, क्या पढ़ रहे हो? केविन, मेरे लिए रुको। ये बुक अच्छी है ना? मुझे पता है। बुक ट्विंसीज। हाँ, मैं थोड़ा आगे हो जाऊं। वो मुझसे नफरत करता है। मेरे बाल तो ठीक है ना? हमारी और भी चीजें एक जैसी होनी चाहिए। अब मुझे मेकओवर करना है। इस मार्कर को देखें। हेयर मास्क को कलर करने के लिए इसकी इंक इस्तेमाल करें और फिर इसे अच्छे से मिलाएं। और ये तैयार है। आप ये अलग अलग रंगों से भी बना सकते हैं। ग्लव्स पहनकर इसे अपने बालों में लगाएं। अब इसे फॉइल में रैप कर लें। जितने चाहे उतने बालों पर लगाएं। अब हम इंतजार करेंगे। देखने के लिए तैयार हो? कितना कूल है। सैलून जाने की जरूरत ही नहीं। ये शानदार है।
हूँ। हे, तुमने अपने बाल कलर कर लिए? हमारी तो काफी चीजें एक जैसे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये हैक्स आपको काफी काम आएंगे। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करें और उन्हें भी हंसाएं। आपने ये देखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ मिस ना हो जाए।